है मालिक, बुलेट, फिएट, अम्बेसडर और वो पंख वाली गाड़ी, इतनी सारी गाड़ियाँ होकर भी ये घोड़ा गाड़ी क्यों मंगवाई? हम पड़ोस के गांव में पंचायत में जा रहे हैं और हम सूर्यवंशी हैं। अच्छा अच्छा, हमें वहाँ ठाट बाट से जाना चाहिए। क्या हुआ, सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे पिताजी ने आया इसलिए क्या? मेरे पिताजी को कमर में दर्द है। करेक्ट, इसीलिए पंचायत में मुझे भेजा है। क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए? कैसी बात कर रहे हैं छोटे मालिक, सूर्यवंशी खानदान के आप ही वारिस हैं, आज नहीं तो कल आप ही को न्याय करना है। आइए बैठिए। इस पर बैठूं क्या? हाँ, इसी कुर्सी पर 3 साल बैठकर तो मेरे पिताजी की कमर में दर्द हो गया, इसलिए मैं इस पर नहीं बैठूंगा, मैं यहाँ नीचे बैठूंगा। मेरे ख्याल से उसे यहीं कहीं होना चाहिए। जरा नजर घुमा कर देखो तो। अच्छा अच्छा, ए नीचे बैठ कर। कहिए क्या समस्या है? इसका नाम सीताराम है छोटे मालिक, और ये जो है इसकी पत्नी। हाँ छोटे मालिक, और वहाँ जो खड़ी है वो औरत इसकी रखेल है। आपको कैसे पता चला? देख के ही पता चलता है, पत्नी पुरानी हो गई है इसलिए उसे दूर खड़ा कर दिया है, और ये नहीं है इसलिए पास रखा हुआ है। नई चीज में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, यही बात है ना? हाँ मालिक। इतनी सी बात के लिए पंचायत बुला ली? अब भी कमाल करते हैं, इसका फैसला मैं 5 मिनट में कर दूंगा। तुम बोलो बेटी। इस चुड़ैल ने पैसों के लिए मेरे पति को फंसा लिया, लेकिन मेरा पति सोना है। इन्होंने भले मुझे छोड़ दिया होगा, लेकिन मैं आज भी उनकी पत्नी हूँ मालिक, और मरते दम तक मैं उनकी पत्नी बनकर ही रहना चाहती हूँ मालिक। मेरा पति मुझे दिला दीजिए। अरे नहीं नहीं, हाथ मत जोड़ो। उससे भी अच्छा एक सुझाव मेरे पास है। देखो, मर्द और औरत एक समान होते हैं, जब उसने तुम्हें छोड़ दिया है तो तुम भी उसे छोड़ दो। ये धागा गले से निकाल कर फेंक दो, उसकी तरह सज संवर कर रहो, तुम भी अच्छी लगोगी, तब तुम भी किसी और को फंसा सकती हो। ये गलत है। इसमें गलत क्या है? तुम सिर्फ हाँ तो कहो, पैसा, गाड़ी, बंगला, हर चीज का प्रबंध कर दूंगा तुम्हारे लिए। क्या सोच रही हो, कौन राजी होगा? मैं हूँ ना। ये क्या मालिक, न्याय के लिए आप पंचायत में आए थे और आप सबके सामने इतनी घटिया बात कर रहे हैं? पति के नाम का मंगलसूत्र औरत सिर्फ एक बार पहनती है, किसी दूसरे मर्द के बारे में कभी नहीं सोचती। आपने ये बोलकर मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है, आपका कभी भला नहीं होगा। ए, बेकार में रो क्यों रही हो? पसंद है तो हाँ कहो, नहीं तो मुंह बंद रखो। अब देखो तमाशा, डार्लिंग यहाँ करम जली कही की। क्या ख्याल है जाने मन, पैसा, गाड़ी, बंगला, मैं मंजूर है? सब क्या राम, क्या कैसी बात कर रहे मालिक? जब बंगला मिल रहा है तो उसकी झोपड़ी में रहकर क्या करना? अरे रे, जल्दी नहीं, हाथ रख। विमला दादी, डोंट टच मी। फिर मेरा क्या होगा? जा कहीं और जाकर अपना मुंह काला कर। चलो डार्लिंग। जरा सबर करो डार्लिंग, जरा सबर करो, यहाँ बैठो। अरे भाई यहाँ। जी मालिक। अरे आओ ना, ए आना। हे भगवान, अब तेरी समझ में आ गया ना एक रखेल और पत्नी में क्या फर्क होता है? ए तुझे कुछ होगा तो उसका दुख सिर्फ तेरी पत्नी को होगा, और तेरा दुख देखकर किसी और के पास भाग जाने वाली ऐसी औरतें होती हैं। मरते दम तक साथ देने वाली और तेरे खानदान को आगे बढ़ाने वाली तेरी पत्नी ही होगी। माँ बाप, भाई बहन, ये सारे रिश्ते कई लोगों के साथ हो सकते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता एक के साथ ही होता है। कम से कम अब तो बात को समझो और अपनी पत्नी को लेकर जाओ। बहन सॉरी, इसे सबक सिखाने के लिए सब नाटक करके तुम्हारा दिल दुखाया। अगर मैं चाहता तो इसे समझा कर या इसे जबरदस्ती तुम्हारे साथ भेज सकता था, पर ऐसा करके हमेशा के लिए इसे तुम्हारा नहीं बना सकता था, इसलिए इसे अपनी गलती का एहसास करा के तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। अरे नरसिंहा, इतनी देर यहाँ रुका हुआ है? घोड़े को प्यास लगी है कहकर झील के पास रुकाया, चारा खिलाना है कहकर यहाँ रुकाया है। ये सब देखकर लगता नहीं कि मैं पंचायत में वक्त पर पहुंचकर फैसला कर पाऊंगा। अगर हम वहाँ सही वक्त पर नहीं पहुंचेंगे तो वो हमारे फैसले की क्या इज्जत करेंगे? ए, आज तेरी वजह से खानदान का मान सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगा। कौन है ये लोग? मेरा भाई है। अच्छा भैया है। नमस्ते 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 भैया, तुम्हारी बहन ने सब कुछ बता दिया क्या? वो संभाल कर बात करना ही तो यहाँ कभी नहीं दिखाई देगा। ओ तो आप उस टाइप के हैं क्या? ऐसा है, जो बहन को एक के साथ विदा करे वो भाई है, और जो बहन को चार के साथ विदा करे। तुम्हारे बारे में थोड़ी कह रहा हूँ, तुम लोग चुप रहो। अच्छा सा लड़का देखकर अपनी बहन की शादी करवा दो। Oh!
से अपनी बहन की शादी करवा दे। मेरा नाम माधव राव है और मेरा गांव भवानीपुर है। मतलब तुम्हारे गांव के पंचायत में जाना है। तुम्हारे भवानीपुर गांव में झंडे की स्थापना के लिए जाना है या तुम्हारे भाइयों के बीच के झगड़ों को सुलझाने के लिए जाना है? चुप करो, तुम्हारी बहन गूंगी है क्या? नहीं मालिक, वो अपनी बहन को मैंने बहुत प्यार से पाला पोसा है। उसके लिए माँ बाप, भाई बहन सब कुछ मैं ही हूँ। बचपन से मैं उसकी हर इच्छा पूरी करता आया हूँ, लेकिन कुछ और मांग रही है वो और तुम उसे दे नहीं पा रहे हो। है? वैसे वो तुमसे मांग क्या रही? पेड़ से फल तोड़कर देने को कहा होता तो मैं झट से लाकर दे देता। है? लेकिन आसमान से चांद तोड़कर लाने को कहेगी तो मैं कैसे ला सकता हूँ मालिक? सुनो, तुम्हें जरा भी समझ नहीं है क्या? जवान होते हुए तुम अगर चांद तोड़कर नहीं ला सकते तो भला इस उम्र में मैं कैसे ला सकता हूँ? तू चुप कर। आखिर बात क्या है? वो शादी करना चाहती तो है। कोई अच्छा सा लड़का देकर उसकी शादी कर लो। नहीं हो सकता, वो जिस लड़के को चाहती वो किसी चांद से कम नहीं है। उसने जब से उसको देखा है उसका रूप भाग गया है। उसका पंचायत में फैसला सुना तो उसका न्याय उसे भाग गया। उसे गुंडों से लड़ते देखा तब उसकी वीरता उसे भाग गई। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से करूंगी, नहीं तो जिंदगी भर कुंवारी ही रहूंगी, ऐसी जिद पकड़ कर बैठी है वो मालिक। मतलब तुम्हारी बहन को उससे प्यार हो गया है? मतलब लड़की ने लड़के को देखा है लेकिन लड़के ने लड़की को देखा है क्या? मुझे तो लगता है कि देखा होगा, लेकिन वो कहती कि उसने उसे देखा ही नहीं। ए, लड़के लड़की ने एक दूसरे को नहीं देखा है तो तुम्हारी बहन इतनी जिद क्यों कर रही है? देखो, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते होंगे और दोनों में प्यार भी होगा। तुम जाकर जरा उनसे प्यार से पूछो, उन्हें समझाओ, सब कुछ बता देगी। क्या कहते हैं पिताजी? फैसला करना तुम्हारा काम है या मेरा? तुम अपना मुंह बंद रखो। वैसे इसकी बात तो सही है, पहले तुम उस लड़के को ढूंढ कर लाओ, फिर उसका क्या करना है हम देखेंगे। ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। तुम नहीं जानते बेटा, जैसे कि तुम बता रहे हो उसे तो मुझे लगता है कि वो लड़का बहुत ही पैसे वाला और आवारा होगा। वो मीठी मीठी बातों से तुम्हारी बहन के साथ धोखा कर सकता है, उसके बाद पछताकर कोई फायदा नहीं है। आखिर वो लड़का है कौन बताओ? वो लड़का बहुत अच्छा है। आजकल भरोसा करना बेकार है और पैसे वालों पर तो बिल्कुल नहीं। सब लोग मेरी तरह शरीफ नहीं होते, इसलिए उसके बारे में पूरी पूरी जानकारी दो। वो लड़का हीरा है मालिक, हीरा है। बार बार हीरा हीरा क्या कह रहा है? तेरा मतलब क्या है? हम उसके घर जाकर रिश्ते की बात करें? इतने बड़े आदमी के घर में रिश्ता जोड़ने की बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता मालिक। हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं? आप एक बार मेरे घर आकर मेरी बहन से ये शादी नहीं हो सकती बेटा कहकर समझा दीजिए ना मालिक। समझा दूंगा, लेकिन वो लड़का है कौन? मैं उसे अच्छी तरह समझा दूंगा। आप क्यों नहीं समझा सकता क्या? बोलो ना बेटा। वो ना, अगर मैं बता दूंगा तो आप मुझे मारेंगे। ए, नहीं बताएगा तो मैं मारूंगा। वो अगर आप नहीं मारेंगे तो बताऊंगा। नहीं मारूंगा, बता। वो लड़का, वो, अरे बताना। ए, ये वो क्या कर रहा है? चल बताना। वो, अबे बताना। वो हमारे छोटे मालिक है। पिताजी ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ए, तू क्या कह रहा है? तुझे पता है मैं तो इसकी बहन को जानता तक नहीं हूँ। ए, क्या कह रहा है तू? सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर विश्वास कीजिए पिताजी। आपने कहा था आप मुझे मारेंगे नहीं। मैं तुझे नहीं मारूंगा। तूने अभी क्या क्या कहा था? बहुत सुंदर है, बहुत शरीफ है, बहुत बुद्धिमान है, बलवान है, लाखों में एक है। अबे गधे, इसमें से एक भी लक्षण इसके अंदर दिखाई देता है? पिताजी तू चुप कर रहे है? तू भी चुप। सुन, कहाँ गया ये? वहाँ। मेरे बारे में वो लड़की इतना सब कुछ कैसे जानती है? आप नहीं जानते क्या? नहीं। वो इसकी बहन है। हे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जगत विधाता, 6 महीने में ये मेरा छठा व्यापार है, कम से कम इसे अच्छी तरह चला दो प्रभु। अच्छी। ए, इधर आ जरा। बनाओ टीका। टीका क्यों? सेठ देखिए, मेरी छींक सुनकर एक कस्टमर दौड़ा रहा है। नमस्ते सर। क्या चाहिए सर? क्या चाहिए सर? क्या चाहिए बाबू? मेरा नाम बाबू नहीं, मोहन बाबू है। दो
टूथपेस्ट खरीदने पर हम लोग दांत फ्री में घसते हैं। ले रख ले। ओह शैम्पू चाहिए क्या? शैम्पू की चार बोतल लेने पर हम लोगों से निकाल कर भेजते हैं। सर सर हमारे शॉप पे सब कुछ मिलता है, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। क्या चाहिए बताइए ना सर। जो चाहिए वो मिलेगा सर, वादा करता हूँ। मुझे माँ चाहिए सर। माँ? हाँ सर, मेरी माँ दो दिनों से लापता है सर। तो फिर तुम्हें तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, सुपरमार्केट में क्यों आए हो? पता है सर, मेरी माँ सुपर दिखती है, इसीलिए मैं सुपरमार्केट में आया हूँ। इसकी माँ से तेरा कोई लफड़ा सर, नहीं? आप लोग बाद में बात कर लीजिए सर। मेरी माँ ने मुझे पूरे 9 महीने तक अपनी कोख में रखकर पाला है सर। हर माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखकर ही पालती है भाई, बोरियों में रखकर नहीं पालती। चुप हो जाइए सर। ये फोटो देखिए सर, ये मेरी माँ की है। ये तो जयललिता है। जयललिता? ये तो जयललिता है ना। ये तुम्हारी माँ कैसे हुई? मेरी माँ है सर। नहीं, इसकी तो शादी नहीं हुई है सर। शादी से पहले बच्चे होते हैं क्या? ये हमारा पर्सनल मैटर है। आपने इन्हें देखा है क्या? ये तो बंगले में रहती है भाई। डोंट टॉक। मैं भी बंगले में पैदा हुआ हूँ। इन्हें देखा है कि नहीं, सिर्फ इतना बताइए। भाई तुम्हारी माँ का पता चला तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। अब तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। ये फोटो रख लीजिए। क्या आदमी है भाई, तुझे ये मेंटल नहीं लगता है क्या? नो डाउट। अच्छा सुबह जब मैं पूजा कर रहा था तो तुम छीके क्यों थे? छीक आ गई थी। अच्छा तेरी चीख हमेशा के लिए दूर कर दूं? कैसे? सामने देख जरा, तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? वो कैसे? पंचायत में हंसते समय सिर्फ पैर देखो और गुंडों को मारते समय सिर्फ आंखें देखो। और एक तुम हो, नीचे देखने को कहता हूँ तो ऊपर देखने लगते हो, जो भी कहता हूँ उसका ठीक उल्टा करते हो। क्यों पनौती की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है? वो बहुत बड़े इंसान है, तुम्हारे लिए वो पागलों की तरह पूरे गाँव में घूम रहे हैं। एक बार तो अपनी शक्ल दिखा दे। दिखा दूँ क्या? चल ठीक है। ए राजलक्ष्मी, अरे कहाँ हो तुम? पैर देख, पैर वही पैर, वही पैर है। अब आंखें देख, आंखें चश्मे के अंदर झांक कर देख। वही आंखें, वही आंखें। वो लड़की वही है ना? हाँ वही है। चल अब तू निकल ले। क्यों निकलूं? मेरे पीछे छुप जा। मेरी तो जान ही निकल गई यार। ए लड़की, पहाड़ जैसे इंसान को धक्का मारती है, दिखता नहीं क्या? नहीं दिखता जी, मैं अंधी हूँ ना। तुम्हें दिखाई नहीं देता? अरे रे, इस सुंदर लड़की की आंखें छीनकर भगवान ने कितना अन्याय किया है। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे रोना आ रहा है। आपकी आवाज तो जमींदार की तरह लग रही है। क्या आप जमींदार हैं? हाँ या या। मेरे दादाजी यहाँ के। अब उन्हें मेरा नमस्ते कहिएगा। माफ करना मैडम, हम गलती से आपके रास्ते में आ गए, हम जा रहे हैं। ये क्या, मैं तो आपकी पोती की उम्र की हूँ, आप मुझसे माफ़ी कैसे मांग सकते हैं दादाजी? मैं दादाजी हूँ। और नहीं तो क्या, मुझे दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ? मैं इंसान को छूकर पहचान सकती हूँ। अच्छा आप कैसे दिखते हैं मैं बताऊँ? हाँ बताइए बताइए बताइए। आप टकले हैं ना? आपकी मूछे काफी अच्छी है। आपके गाल पिचके हुए हैं। ये पेट तो टैंक के जैसा है। कुछ काम की बात कर। सुनो लड़की, इस गांव में राजलक्ष्मी नाम की एक लड़की रहती है। वो लड़की कहाँ रहती है तुम जानती हो क्या? मुझसे पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तो उस लड़की के बारे में कुछ बता। मैं तो अंधी हूँ, मुझे कैसे पता होगा? मैं भी पागल हूँ जो इससे पूछ रहा हूँ। चलो चलो। लेकिन मैंने उस लड़की को देखा है। तो बताइए ना कैसी दिखती है, बताऊँ मैं? बताओ जल्दी बताओ। वो लड़की तो बहुत ही सुंदर दिखती है, बस थोड़ी सी काली है। काली है? काली मतलब उसका रंग काला नहीं है, आंखें काली हैं। अरे बाप रे, आंखें काली है, कोई बात नहीं, आंखें काली है तो हम काम चला लेंगे। इतना क्यों चल रहा है बे? और हाँ, वो लड़की बहुत नसीब वाली है। हाँ। और उसका गला, अरे अरे अरे, एकदम कमाल का गाती है। अरे वाह वाह, बोलती है तो थोड़ी अजीब लगती है। हाँ। लेकिन सुन सुनकर आदत हो जाएगी आपको। मैं आपकी बात को समझा नहीं। मेरा मतलब है वो थोड़ी सी तोतली है। तोतली? अरे ये सब छोड़िए, और भी बहुत कुछ आता है उसे। इतना अच्छा डांस करती है कि सब देखते रह जाते हैं। वैसे तो हजारों लोग डांस करते हैं, लेकिन ये लड़की एक पैर पर डांस करती है, कितनी बड़ी बात है। एक पैर पे? वो लंगड़ी हो गई। बेचारी, बचपन में पोलियो की वजह से उसका एक पैर काम से गया। तो उसका पैर है ही नहीं। वैसे तो वो बहुत नसीब वाली है। अच्छा आपके दरवाजे बड़े बड़े तो है ना? क्यों? इतना भी समझ में नहीं आया? अरे वो लड़की 7.5 फुट ऊंची है। अरे बाप रे बाप, आप कितने भाग्यशाली हैं, 5 गुणों वाली लड़की आपको मिली है, आपकी तो निकल पड़ी। चुप। और हाँ सिर्फ इतना ही नहीं बाबूजी, और वो ना। और क्या? वो लड़की पूरी तरह पागल है, यही ना? अरे बाप रे, ये आपको कैसे पता चला? यही एक गुण तो बचा था। वैसे वो बहुत ही नसीब वाली है, अगर आप उसे दिल से अपने। अब बस 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 बस,
अब जो कुछ भी बाकी है उसके सामने जाकर हम देख लेंगे। आप उसका पता बता दीजिए। लाइव शो देखना जरूरी है क्या? बाप रे, आप नहीं समझेंगे, चुप रहिए, बताइए बताइए। अच्छा सुनिए, यहाँ से ना सीधे जाइए और फिर राइट में मुड़ जाइए, उसके बाद ना में जाइए। अरे ये आवाज कैसी थी? लॉरी पंचर हो गई है। पंचर नहीं, ब्लास्ट हो गई है। अरे बाप रे, वो देखिए छोटे मालिक, वो लड़की अंधी नहीं है। ये। अरे ये तो शक्ति सिंह है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या हुआ, इडली वाला लग रहा हूँ ना? लेकिन नहीं, मैं हूँ। मेरा साबुन कहाँ गया? अरे मेरा साबुन दो ना। अरे मेरा साबुन तो दो। साबुन चाहिए? ये लो टट्टा। कौन है आप? मैं हूँ। तो आप हैं? आप यहाँ पर क्यों आए हैं? पता है यहाँ क्यों आया हूँ? क्यों आए हैं? मैंने राजलक्ष्मी को ढूंढ लिया है। आपने ढूंढ लिया? हाँ, और वो लड़की जैसी भी हो कोई परवाह नहीं, मैं उसी से शादी करूंगा। वो लड़की कहाँ है पता है? वो यही है। यही है कहाँ? तुम कैसे देख सकती हो? तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता ना, पर मैं उसे देख सकता हूँ। वो लड़की काली है तो क्या हुआ, फिर भी कितनी सुंदर है। वो मेरी जान है, वही मेरा प्यार है। आओ मेरे गले लग जाओ मेरी राजलक्ष्मी। अरे तुम ही मेरी जिंदगी हो। ये नहीं है वो। मैं ही राजलक्ष्मी हूँ। मुझे पहले ही पता था। वाह लड़की पट गई। लक्ष्मी आज मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरा आशीर्वाद है तुम सदा सौभाग्यवती रहो। संभल के नट खट पहुंचा कहां।
चल ही चले चले हम उड़कर दूर कहीं। तुम जो मिले पियो मेरा दिल बस में ही नहीं। अब दुनिया सजी मेरी जो तुम बिन सुनी सुनी थी। प्यार जो करो मेरे पियो ये मर्जी दिल की। कहीं प्यार में हो जाना जुदाई न हो। रहूंगी सात जन्मों तक मैं तुम्हारी। सुनो सजना होठों पे है तेरा नाम ही सदा। आज वादा पड़ेगा ही निभाना। प्यारा मौसम है दिल भी दीवाना। ओ प्रेम की ही बात कर। प्रेम की बरसात कर। मुझे छुआ तो निहाय मेरे तन क्या हुआ? ये हो गए 1 2 3 4। ए पांडू, ये तू काहे की गिनती कर रहा है? हमारे शॉप में इतने लाखों का फायदा हुआ है क्या? नहीं सेठ, ये दुकान कितने दिनों में बंद होने वाली है बताओ। मेरी बर्बादी देखना चाहता है? मार डालूंगा तुझे। ए वो फिर आया। और भाई तुम्हारी माँ मिल गई ना? हाँ मिल गई, वो मेरे घर में। और ये वही वाली माँ है ना? सेम मदर, नो डिफरेंस। ये डेफिनेटली क्रैक है, जयललिता मिल गई कह रहा है। चलो चलो। तो भाई तुम्हारी माँ तुम्हें मिल गई ना? हमें भी उनसे मिलाओ ना। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर। अब क्या हुआ? सास बहू में लड़ाई हुई और बीबी छोड़कर चली गई। ओहो, तो अब तुम्हें तुम्हारी पत्नी नहीं मिल रही है? तुम्हारी पत्नी सुपर है इसीलिए सुपर मार्केट पे आए हो। उसकी फोटो तो होगी ना, तो फिर जल्दी से दिखा। ये लीजिए। रंबा सेठ। रंबा? रंबा तुम्हारी पत्नी है? मेरी पत्नी सिर्फ मुझे रंबा दिखाई देती थी, अब वो तुमको भी रंबा दिखाई दे रही है। इधर आ। कह रहा रंबा इसकी पत्नी है। पागलपन का दौरा फिर से पड़ गया। ये बात है। अच्छा सुनो भाई, सुनाइए। तुम्हारी पत्नी हमारी दुकान में आकर इमली पापड़ या कोई भी चीज खरीदने आएगी ना, तो मैं उन्हें संभाल कर तुम्हारे पास ले आऊंगा। अब तुम जाओ। आप फोटो रख लीजिए। रख लेता हूँ। ओके। ये क्या यार, बार बार दुकान में आकर पनौती लगा कर जाता है। अपनी दुकान के अलावा उसे कोई और दुकान नहीं मिलती क्या? सुपर मार्केट सुपर है ना, वैसे भी थोड़े दिनों में बंद होने वाली है, इसलिए आखिरी वक्त में आकर मिलकर जा रहे हैं। आराम से बाइक पर बैठकर जल्दी आ सकते थे ना, तांगे पर मजमा लगाने की क्या जरूरत थी? ये सब ठीक लगता है? गांव में गांव के संस्कारों के अनुसार ही रहना चाहिए। आप चुप रहिए। अच्छे संस्कार हैं। घर पहुंचने तक तुम्हारी कमर लचक जाएगी, बेकार में परेशानी बढ़ जाएगी। ना, आप चुप रहिए, वहाँ आगे देखिए। नमस्ते मालिक। नमस्ते। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। कैसे हो तुम? नमस्ते मालिक। आप आने वाले थे इसीलिए रास्ता साफ करवा दिया। अगर आज से हम यहीं पर रहना शुरू कर देते सारे घर चकाचक हो जाएंगे। क्या बात कही है मालिक। और माधव भैया? जी मालिक। क्या हाल है, बड़ी जल्दी दादा बन गए? सब ईश्वर की कृपा है मालिक। क्यों रे, एक साल हुआ नहीं और तू बाप भी बन गया, बहुत फास्ट है रे। मालकिन बैठिए ना। आइए ना। ये क्या लक्ष्मी, कहीं तुम्हें बिठाकर मुझे यहाँ से भगाने वाले थे? कैसी बातें करते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। चलिए चलिए। नमस्कार। अले 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 अले। लीजिए। कैसे हो बेटा? बेटा अपने बाप पर गया है? हाँ जी मालिक। अपने हाथों से पहली बार बच्चे को शहद चटाइए ना मालिक। ए, तू बड़ा होकर मेरी तरह बनना। लड़का नहीं लड़की है। ओहो, मतलब तुम्हारी चांदी है। ये लो इसे शहद चटाकर अपने जैसा बनाओ। क्या कहा? मेरा मतलब तुम्हारी तरह महालक्ष्मी बने, ऐसा आशीर्वाद दो। हो गया। बच्चे का मुंह तो मीठा हो गया, अब हमारा मुंह मीठा कब होगा? आप हमारे घर में? क्यों, क्या समस्या है? मेरी सोच ऐसी बिल्कुल नहीं है, आप लेकर आएंगे या मैं लेकर आऊं? देखिए कोई भी आसमान से नहीं टपका है, सब माँ की कोख से आए हैं। ये लो बेटा। ये लीजिए मालिक। बहुत स्वादिष्ट है, तुमसे भी अच्छा बना है। ऐसे मत देखो, जो भी करना है घर में चलकर करना है। ठीक है माधव भैया, आगे दीजिए। जी मालिक। जी, नमस्ते। ये लीजिए। चलती हूँ मैं। अब तक जितनी भी लड़कियों की शादी हुई वो 1-2 साल में माएं भी बन गई, लेकिन मालिक को उस भगवान ने अब तक बच्चे का सुख नहीं दिया।
आहा, शंकर पार्वती की तरह आपको भी शीघ्र ही गणेश भगवान जैसा पुत्र प्राप्त होगा। ओम शिवाय नमः। अरे बिटिया, तुम्हारा विवाह हुए कितने दिन हुए? सिर्फ 3 वर्ष हुए ना। चिंता करने की कोई बात नहीं है। विवाह के 10 वर्ष बाद भी जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने यहाँ प्रदक्षिणा करके पुत्र प्राप्ति का सुख लिया। तू चिंता मत कर, ये खुशखबरी तुझे 3 महीने में मिलेगी। ये ईश्वर की कृपा है। पति के हाथ लगाए बिना बच्चा कैसे होगा? मैं कोई पुराने जमाने की कोई सती सावित्री हूँ क्या? तो तुम बेकार में ये प्रदक्षिणा किसके लिए कर रही हो? पति को बुद्धि देने के लिए। आहा, सुनो, पहले जो करना है वो करो, उसके उपरांत प्रदक्षिणा करो, नहीं तो इस प्रयोजन का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। पंडित जी, आप मेरे लिए कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं। ये दक्षिणा रख लीजिए। मैं प्रदक्षिणा कर रहा हूँ तो अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ। शादी के 5 साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ सोचकर मेरी बहन बहुत दुखी है। अगर मुझे बच्चे हो भी गए तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। जिस दिन उसके घर में बच्चे के आने की खुशखबरी सुनूंगा, उसके बाद ही अपने बच्चे की सोचूंगा। अब मैं चलता हूँ। आह, बहुत टेस्टी बना। खाना बनाने में तुम्हारा जवाब नहीं है। और क्या बनाया? सच में तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ए, मैं कब से बोलने जा रहा हूँ और तुम शांत खड़ी हो? क्या हुआ लक्ष्मी, आज तुम्हें क्या हो गया है? आखिर बताती क्यों नहीं हो? एक बात कहनी है, आप सुनेंगे क्या? शादी हुई तब से तुम्हारी बातें सुनता रहा हूँ। आज कौन सी नई बात है, बताओ क्या पूछना है? आप दूसरी शादी कर लीजिए। पानी लीजिए। इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तुमने क्या कहा, मैंने ठीक से सुना नहीं, एक बार फिर से कहो, बताओ क्या कहा? हमारी शादी को 5 साल हो गए लेकिन अभी तक बच्चे नहीं हुए। आगे भी होंगे या नहीं ये भी नहीं पता। गांव के बच्चों को अब तक आप ही खाना खिलाते आ रहे हैं, लेकिन हमारे बाद ऐसे बच्चों को खाना खिलाने वाला कोई भी नहीं होगा। आपके दादाजी, आपके पिताजी के लिए आप, आपके दादाजी के लिए आपके पिताजी, लेकिन आपके इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी वारिस नहीं है। मैं माँ नहीं बन सकी, ये बात मुझे बहुत सताएगी। मन तो करता है कि इस तरह की जिंदगी जीने की बजाय एक ही बार मर जाऊं तो बहुत अच्छा है। इसलिए कह रही हूं मैं कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। ओहो, मेरे दिल की बात तुम्हें कैसे पता चल गई? मैंने एक लड़की देख भी ली है। आपने लड़की भी देख ली? हाँ। कहाँ की है वो? वही रामपुर की है। लड़की तुम्हारी जितनी सुंदर तो नहीं है, लेकिन लगभग तुम्हारे जैसी ही है। मतलब बात काफी आगे बढ़ चुकी है। वैसे उसका नाम क्या है? गीता देवी है। गीता देवी? उसे सिर्फ देखा ही है या और भी कुछ हो चुका है? छेछे, तुम्हारे साथ मिलकर रहना है, तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है उसे, ऐसे में तुमसे नहीं पूछूंगा क्या? अच्छा छोड़ो, वो बात फिर कभी करेंगे, पहले खाना परोसो। ऐसे खाना परोसते हैं? पहले तो कभी ऐसा नहीं परोसा, अपने हाथों से नहीं खिलाओगे? हाँ, जब वो आएगी ना उसी के हाथ से खाना और उसी से चिपके रहना। हाँ। ए, ये सब क्या लगा रखा है? हाँ? सिर्फ खाना खिलाने से काम हो गया? फल वगैरह कौन खिलाएगा? हाँ? आओ आओ। मोगरे के फूलों में क्या सुगंध है। मुझे गले लगाने की बजाय मुझसे दूर जा रही हो लक्ष्मी। ए सुनो ना लक्ष्मी, लक्ष्मी बात सुनो कीजिए। ए लक्ष्मी, लक्ष्मी सुनो मेरी बात सुनो। ए लक्ष्मी, देखो लोग तो हजारों बातें करेंगे, मैंने कभी तुमसे बच्चे की बात की है क्या? पहले खुद ही बेकार की बातें निकालती हो और खुद ही नाराज हो जाती हो। आओ लक्ष्मी, ए आओ, बोला ना। मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, मैं ही आ जाता हूँ। गुस्सा तेरा वल्ला वल्ला नखरे तेरे। एप्पल खाओगे? नहीं, ठीक है। गुस्सा नहीं करते लक्ष्मी, 5 साल में हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ, यही बात है ना? इन 5 सालों में
हमने कभी डॉक्टर के पास चेकअप करवाया है क्या? कल सुबह होते ही हम दोनों डॉक्टर के पास चलेंगे और टेस्ट करवाएंगे। अगर टेस्ट में कमी मेरे अंदर नजर आई तो तुम दूसरी शादी कर लेना। नहीं। क्यों? तुम कुछ भी कह सकती हो और मैं कुछ नहीं कह सकता क्या? और सुनो, दोबारा कभी शादी की बात की ना तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। पहले से ही मेरे दांत कमजोर हैं और आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखो, जब तुम्हारे सारे दांत गिर जाएंगे और तुम पोपली बुढ़िया हो जाओगी ना, तब भी मेरे सपनों की रानी तुम ही रहोगी। लक्ष्मी, आज के बाद तुम कभी भी बच्चों के बारे में बात मत करना। यूं समझ लो मैं तुम्हारे लिए बच्चा हूँ और तुम मेरे लिए बच्ची हो, ठीक है? आप मेरे लिए बच्चे हैं और मैं आपके लिए, अच्छा है। हाँ। लेकिन खानदान के लिए वारिस की जरूरत नहीं होगी क्या? हाँ, वो तो है। उठो 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 उठो। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे खानदान के लिए वारिस नहीं चाहिए क्या? आप भी ना। सेठ, वो पागल फिर यहाँ आ रहा है। सेठ, चुप हो जा, वो चला जाएगा। यहाँ कोई नहीं है भाई, मेरा यकीन मानिए, कोई नहीं है, आप अपने घर चले जाइए। आप लोग यहाँ चोरों की तरह क्यों छुपे बैठे? नीचे छुपे नहीं थे भाई, हम कुछ जरूरी सामान ढूंढ रहे थे। अच्छा, अच्छा? तुम्हारी माँ और पत्नी मिल गई क्या? हाँ, मिल गए। सुनकर बड़ा अच्छा लगा। आओ, तुम्हारी माँ और पति से मिलते हैं। सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर। अब क्या हुआ? दो साल से हमें हमारा घर नहीं मिल रहा है सर। तो अब तुम्हारा घर कहाँ गया है? दिस इज टू मच। भाई साहब, आपने अपने घर का फोटो तो लिया होगा ना? आप बहुत समझदार हैं। ये तो ताजमहल का फोटो है और इसे शाहजहां ने बनवाया था। अच्छा, शाहजहां ने मेरे पास गिरवी रखा था। शाहजहां तुम्हारे पास गिरवी कैसे रख सकता है भाई? ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में इसे बनवाया था मेरे भाई। उसने ऐसा कहा? देख लूंगा सर, इस घर के लिए दिन रात एक करके सिंगापुर में जमीन खरीद के बड़े प्यार से वहाँ इसे मैंने बनवाया था सर। आगरा में बनवा कर अंधेरी में ढूंढ रहा है तू? मुझे लगता है सर, जरूर किसी ने इसे किडनैप करके आगरा में रखवा दिया होगा। हो सकता है, जाकर उसकी खबर लो। ओके सर। हाँ? एक छोटी सी बात पूछनी थी। क्या है? आगरा कहाँ पर है सर? आगरा दिल्ली के करीब है। और दिल्ली किस गली में है सर? देखो भाई, एड्रेस तो बताना मुश्किल है, लेकिन हमारे सेठ से पैसे लेकर मैं जल्दी जल्दी दिल्ली की गलियों में जाकर गली गली को छान मार के दिल्ली में जो तुम्हारा घर ताजमहल है उसे वहाँ से उठाकर हाथ में लेकर यहाँ ले आऊंगा। तू कितनी समझदारी से समझा रहा था। किसके बाप का पैसा लेकर दिल्ली जाएगा? ए, बता दे रहा हूँ, अगर उस पागल ने दोबारा यहाँ पर कदम रखा ना तो तुझे तिरुपति भेजकर तेरा मुंडन करवा दूंगा। थैंक यू सेठ, बहुत दिनों से तिरुपति जाने के बारे में सोच रहा था, आज मौका मिल गया। अच्छा, तो फिर तिरुपति कैंसिल। ए, उस नाई को जल्दी लेकर क्या, मैं इस साले को यहीं पर मुंडन करवा देता हूँ। राम राम मालिक। तुम लोग कौन हो? वो मेरी बेटी यहाँ आई थी इसीलिए। बेटी? वो अंदर छोटे मालिक, उसके साथ कुछ कर रहे हैं। ची 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 ची, तुझे अपना बेटा कहते हुए मुझे शर्म आती है। अरे, जमींदार के वंश में पैदा होकर ऐसी घटिया हरकत करते हो, शर्म नहीं आती? छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे, तूने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। हे भगवान, ये कैसी संतान मुझे दे दी। बाबू जी, क्या हुआ, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? इस गाँव में किसी ने आज तक ये गलती नहीं की, आपने दिन दहाड़े उनके घर में किया। आपका नाम खराब ना हो इसलिए मैंने उन्हें घर में लाकर किया। तो फिर आपको समझना चाहिए बाबू जी, अभी तो मेरी उम्र है, बेवजह नाराज क्यों हो रहे हैं बाबू जी? अरे जरा पसीना तो पोंछ लो। सच है, हम लोगों ने भी गलतियां की है, और जो भी किया है इस तरह चुपचाप किया है कि किसी को पता न चले, और तू अपनी करतूत पूरे गांव को दिखाता है। तूने गीता के साथ जो किया है उसके लिए पंचायत बुलाई गई है, उसका फैसला करने के लिए शंकर सिंह राठौर आ रहा है। अगर गीता ने भरी पंचायत में सबके सामने अपना मुंह खोल दिया तो? अगर उसने मुंह खोला तो मैं यहां से भाग जाऊंगा क्या? गलती की तो उसका जवाब ही मुझे देना आता है बाबू जी। वैसे गीता पंचायत में पहुंच ही नहीं पाएगी, मैंने पहले ही उसे उठाने का बंदोबस्त कर दिया है बाबू जी। कौन हो तुम लोग, कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? हमारे बीच में आने वाला तू कौन होता है? छोड़ दो, छोड़ दो।
मुझे छोड़ो। चल 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 छोड़ो मुझे। कौन है ये लोग? शंकर सिंह, ये गांव मेरा है, इस गांव का मुखिया भी मैं हूं, न्याय करने का अधिकार भी मुझे है, लेकिन आरोप मेरे बेटे पर है, इसलिए मैं अपने बेटे के विषय में न्याय नहीं कर सकता। इसलिए दूसरे गांव के मुखिया सूर्यवंश के उत्तराधिकारी आपको न्याय करने यहां बुलाया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि एक नीच जात की औरत की बात सुनकर आप मेरे बेटे के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। आप गला फाड़कर चिल्ला क्यों रहे हैं? देखिए, जात पात का भेदभाव न करते हुए न्याय करना हम सूर्यवंशियों का धर्म है। गलती करने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो, उसे सजा मिलकर ही रहेगी। मेरे बेटे ने गलती की है, इसका क्या सबूत है? भगवान साक्षी है, और वैसे भी मुझे यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे इनके बेटे पर पूरा भरोसा है। मैं सच बोल रही हूँ या झूठ, ये वही बताएंगे। दया करके उन्हें बुला दीजिए। इसे मेरी जान। नमस्ते भाई साहब। देखो भाई, मैं इस लड़की के साथ सोया हूँ ये बात सच है, लेकिन मेरे अलावा कोई और भी सोया है ये बात पता है? तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम पड़ोस के गांव के मुखिया हो। ए, इधर आ जरा। उस लड़की को मेरे पास बुलाया था, मेरे बाद भी तू उसके साथ सोया था ना? पंचायत में सच क्या है ये बताने के बजाय चुप कर बैठता है। भाई सच्चाई पता चल गई ना? ए, जरा तमीज से पेश आओ। ठीक है भाई, जो कुछ भी हुआ उसे मैं विस्तार से बताता हूँ। जवान लड़कियों को देखकर मैं पूरी तरह पागल हो जाता हूँ। नीच जाति की है तो क्या हुआ, दिखने में मस्त हट्टी कट्टी गोरी सुंदर है, इसीलिए मेरा दिल उस पर आ गया। कोशिश करके देखा तो आसानी से मान गई, और फिर जो करना था वो किया। उसके बदले में ये जो कान में इसने पहने हुए है ना लटकते हुए झुमके, वो मैंने दिलवाए, और एक जोड़ी इस साले ने दिलाया। ए, बोला साले, इसने ये जो साड़ी पहनी है ना वो भी मैंने दिलवाई है, और अंदर जो घाघरा पहना है। नहीं भाई, इसके आगे कुछ और बोलूंगा तो बहुत गंदा लगेगा, इसलिए रहने दो। इसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा ही है, इस बात की क्या गारंटी है? ए, वो तेरा बाप है, इसकी क्या गारंटी है? शक्ति भाई, ए, अपनी हद पार करेगा तो काट कर फेंक दूंगा। ए, इस तरह पंचायत में आकर इतने लोगों के सामने अपनी इज्जत उछाल कर, शादी से पहले तुम्हारे साथ नाजायज संबंध है ये कहकर, इसके पेट में पल रहे बच्चे के तुम बाप हो, ऐसा झूठ बोलने की हिम्मत इस देश की नारी तो नहीं कर सकती। ए, तुम पिछले जमाने की औरतों की बात कर रहे हो, इस जमाने की औरतों को तुम नहीं जानते। ए, अगर तुमने गलती नहीं की होती ना तो इसे पंचायत में आने से रोकने के लिए गुंडे नहीं भेजते। गवाही देने के लिए उन गुंडों को बुलाओ जिन्हें मैंने मारकर भगाया था। ए, वहां क्या देख रहा है, तुमसे बात कर रहा हूँ, शराफत से इसे शादी कर ले। रहने दीजिए मालिक, रहने दीजिए, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, बहुत बेइज्जती सह ली मैंने, अब और बेइज्जती नहीं सह पाऊंगी, अब रहने दीजिए मालिक, मैं चली जाती हूँ। धीरज रखो बहन, तुम्हें न्याय मिलेगा। रहने दीजिए मालिक, शादी करने के लिए कोई भी इंसान सच्चे मन से अपनी इच्छा से राजी होना चाहिए, इस तरह से पूरे गांव के सामने झूठा आरोप लगाकर कोई ऐसे बदनाम नहीं करता। इस नीच से शादी करने के लिए अब मैं तैयार नहीं हूँ। और ऐसे बोल रही है जैसे मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। चल जा, और जाने से पहले हमारे गांव का मान रख करके जाओ। इस तरह देख क्या रही है, पेट में जो बच्चा है उसे गिरा कर जा। ये कहने वाला तू कौन होता है? हाँ, मेरे पेट में जो बच्चा है उसका बाप तू नहीं है, तूने कहा ना? 10 मर्दों के साथ संबंध बनाकर मैं गर्भवती हुई हूँ ना, 9 महीने कोख में रखूंगी, पैदा करूंगी, खुद पालूंगी, उसके बाद तेरी कब्र खुदवाऊंगी। ए, भगवान के सामने तुमने एक औरत के साथ अन्याय किया है, ये सोचकर खुश मत होना कि तुम बच गए हो, आज नहीं तो कल लेकिन तुम्हें इस गलती की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। चलो बहन। ए, पंचायत खत्म हुई, निकलो यहाँ से। आपका कहना सही है जीजा जी,
लेकिन वो नरसिंह राव नीच जात की लड़की से कैसे शादी कर सकता है? ए, कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो तुम? जात होती क्या है? छोटा बड़ा कोई जात से नहीं होता है, गुणों से होता है। क्यों, पहले उसे पता नहीं था क्या वो लड़की किस जात की है? शादी करूंगा, रानी बनाकर रखूंगा, ये कहकर उसे फुसलाया और धोखा दे दिया, और तुम उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ मैं। आखिर वो भी हमारी तरह जमींदार, इसलिए मैं। अरे चुप, वो कहेगा जमींदार? एक तो घटिया काम करता है और ऊपर से घमंडी भी है। उस लड़की ने मना किया इसलिए छोड़ दिया, नहीं तो उसके हाथ पैर तोड़कर पूरे गांव में फेंक देता मैं। मालिक! क्या हुआ? मालकिन! क्या हुआ मालकिन को? अचानक चक्कर खाकर गिर गई। बेटा, शक्ति भैया को बुलाने भेजा था लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं? लक्ष्मी, क्या हुआ लक्ष्मी? क्या हुआ बहन? ये सब आपकी वजह से हुआ है। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी वजह से? मैंने क्या किया लक्ष्मी? अगर आप कुछ नहीं करते तो क्या मैं आंटी बनती और ये अंकल बनते क्या? माँ, जीजा जी संभल कर, आप बाप बनने वाले हैं। ऊपर वाला देगा एक सलोना मुन्ना, खेलेगा इस आंगन में प्यारा सा नन्हा मुन्ना। रब ने तो सुन ली जो बात थी दिल की, उसने दया की सुनी गोद भर गई। अब चांद सा सलोना आएगा एक खिलौना, गूंजने लगेंगी घर में किलकारियां। मिलकर नाच रहे सब ही, पांव जमीं पर पड़ते नहीं। मिलकर नाच रहे सब ही, पांव जमीं पर पड़ते नहीं। रब ने तो सुन ली जो बात थी दिल की, उसने दया की सुनी गोद भर गई। नाच रहे सब ही, पांव जमीं पर पड़ते नहीं। मिलकर नाच रहे सब ही, पांव जमीं पर पड़ते नहीं। रब ने तो सुन ली जो बात थी दिल की, उसने दया की सुनी गोद भर गई। हैया हैया आज मगन है सैया, हैया हैया आज मगन है सैया। धीरे से चलना तो ठोकर लगे ना, इतनी मेरी बात सुन। पटरानी घर में बजेगी कान्हा की बंसी की धुन। अब मेरी बातें पूरी तो करोगे ना, तेरा प्यार मन में था वो रूप ले रहा नया, मैं जननी बनी।
नाच रहे सब ही, पाँव जमीन पर पड़ते नहीं। मिलकर नाच रहे सब ही, पाँव जमीन पर पड़ते नहीं। रब ने तो सुन ली जो बात थी दिल की, उसने दया की सुनी गोद भर गई। अब चांद सा सलोना आएगा एक खिलौना, गूंजने लगेगी घर में किलकारियां। मिलकर नाच रहे सब ही, पाँव जमीन पर पड़ते नहीं। मिलकर नाच रहे सब ही, पाँव जमीन पर पड़ते नहीं। तो यहाँ कुछ लेने आते ही नहीं, यहाँ पड़ा पड़ा सामान सड़ रहा है, उससे अच्छा तो मैं घर ले जाता हूँ। क्यों भाई, दिल्ली जाकर आ गए क्या? आ गया। ताजमहल मिला क्या? मिल गया सर, लेकिन क्या फायदा सर, मेरे दो बच्चे हैं। वो भी गुम हो गए होंगे। हाँ। इतना ही नहीं, बच्चों का फोटो भी लाया होगा। लाया हूँ सर, दिखाओ। हाँ। तेंदुलकर, चिरंजीवी, तुम्हारे बच्चे? हाँ सर, ट्विंस, बहुत प्यारे हैं सर, आप इन्हें जानते हैं? सिर्फ मैं ही नहीं जानता, इन्हें तो पूरी दुनिया जानती है। हाँ? आहा, इनका बाप बनकर मुझे बहुत फख्र है। शाबाश मोहन बाबू, शाबाश। सर अगर ये आपको मिल जाए तो मुझे फोन कर देना सर। जरा इसे पकड़, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ भाई। अरे एक को फिल्म से और दूसरे को क्रिकेट के क्षेत्र से लाकर तुम्हें सौंपने की जिम्मेदारी मेरी है भाई। मैं हाथ जोड़ता हूँ, चलो जाओ भाई। चलता हूँ, बाय। बस बस सुन रे, अगर उस पागल ने मेरी दुकान में फिर से कदम रखा ना तो तिरुपति में जाकर सिर्फ मुंडन ही नहीं मुंडी उड़ा दूंगा। किसकी, मेरी? नहीं नहीं, अब आप मुझे ऐसा कहिए, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। लक्ष्मी, 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 ओह, लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या हुआ लक्ष्मी? मेरा, लक्ष्मी, मेरा बच्चा। नहीं तुम डरो मत, कुछ मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। कुछ नहीं हुआ, तुम डरो मत। क्या हुआ मालकिन को? जाओ जल्दी से गाड़ी निकालो। क्या हुआ मालकिन को? पहले तुम गाड़ी निकालो, जाओ जल्दी, जाओ जाओ। हे भगवान, मालकिन को बचाना। मेरा बच्चा। हाँ लक्ष्मी, लाओ छतरी दो, मालकिन को छतरी उठाओ। मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ऐसे क्यों देख रहे हैं पंडित जी? क्या कहता है आपका ज्योतिष शास्त्र? इस समय नरसिंह राव के जीवन में पुत्र का आगमन हो रहा है। ए, ये क्या बकवास कर रहा है तू? ये मैं नहीं कह रहा हूँ मालिक, शास्त्र बता रहा है। ए, क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसके अभी शादी नहीं हुई है तो फिर संतान कहाँ से आ जाएगी? हाँ, शास्त्र कभी झूठ नहीं कहता मालिक। इतना ही नहीं, नरसिंह राव का जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसके द्वारा इनकी मृत्यु होगी, ऐसा शास्त्र कह रहा है। पागलों जैसी बातें मत करो, एक बार फिर से देखो मालिक। क्या है? गीता ने हॉस्पिटल में एक बच्चे को जन्म दिया। मैंने कहा था ना, शास्त्र कभी झूठ नहीं कहता मालिक। कितने दिनों से हम उस गीता को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं और वो मिलते उसे मारने के बजाय मुझे आकर बच्चे की खबर दे रहे हो। किस हॉस्पिटल में, किस हॉस्पिटल में है वो?
जल्दी से दवाइयाँ लेकर आओ। हाँ। जाओ जल्दी। रामपुर हाँ, वाली गीता ने लड़के को जन्म दिया है। बेचारी खुद अनाथ है। शादी करूंगा कहकर किसी ने उसे धोखा दिया है। अब उस बच्चे का क्या होगा भगवान जाने। बच्चा बहुत ही सुंदर है, दिखने में किसी बड़े खानदान का लगता है। ठीक कहती है। सॉरी सर। क्या हुआ सिस्टर, क्या हुआ? आपकी पत्नी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम बच्चे को नहीं बचा पाए। मेरा बच्चा, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। ए भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा बच्चा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो गीता। पूरा अस्पताल छान मारो। गीता कहाँ है? वो सामने वाले कमरे में। ये मर गया इसलिए बच गई। ए, अपने रास्ते का कांटा खुद ही अट गया। चलो मेरा बेटा। बच्चे का नाम क्या रखोगी दीदी? मुझसे क्यों पूछ रही हो? इसके अंकल से पूछो। क्यों भैया, क्या नाम रखेंगे मेरे बेटे का? और क्या नाम रखें बहना, इसके दादाजी का नाम ही रखेंगे, विजय प्रताप सिंह। क्यों जीजा जी, कैसा है? तुमने एकदम सही नाम सोचा है। ये लो लक्ष्मी, तीन बार इसके कान में नाम बोलो। विजय प्रताप सिंह, विजय प्रताप सिंह, विजय प्रताप सिंह। अरे भैया, मेरा बेटा किस पर गया है? मेरे जैसा है या उनके डैडी जैसा? दोनों के जैसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर मेरा भांजा तो अपने मामा के जैसा है। चलो अंदर चलो। चलो 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 अंदर चलो अंदर चलो। अब मैं अपने बेटे को दूध पिलाऊंगी। सबके सामने दूध नहीं पिलाते बेटा, अगर यहाँ पिलाओगी तो नजर लग जाएगी। सबके जाने के बाद दूध पिलाना। तुम भी नमा, अपने बच्चे को मैं क्यों रुलाऊं? मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकती, मैं इसे दूध पिला कर रहूंगी। सुनिए क्या है। छोटे मालिक, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? वो अपना नाम कुछ गीता बता रही थी। आओ गीता, अब तुम्हारा बेटा मर गया ये मुझे पता चला, सुनकर बहुत बुरा लगा। मालिक, मेरी बेहोशी की हालत में आप मेरे बेटे को उठा लाए, ये बात मैं जानती हूं। उसे पता चला कि उसका बच्चा पैदा होते ही मर गया, तो वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो वहीं मर जाएगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की, इससे मुझे कोई इंकार नहीं, लेकिन अपनी पत्नी को बचाने के लिए मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मुझे माफ कर दो गीता, तुम्हारे बेटे को अपना बेटा मानकर सारे गांव वालों के साथ खुशियां मना रही है वो पगली, उसे यूं ही चलने दो। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं,
भगवान के लिए अपने बच्चे को मत लेकर जाना। मैं यहाँ अपने बच्चे को लेने नहीं आई हूँ मालिक, मैं तो यहाँ आपका धन्यवाद करने आई हूँ। मेरा बच्चा जब कोख में था तब आप ही ने उसकी रक्षा की, पैदा होने के बाद भी आप ही ने रक्षा की। अगर आप उसे ले जाने में एक मिनट की देर करते तो आज मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं होता मालिक। हाँ मालिक, वो राक्षस उस दिन मेरे बच्चे को मारने के लिए हॉस्पिटल में आया था। लाख कोशिश करने के बाद भी मैं अपने बच्चे को उस राक्षस से नहीं बचा पाती। मैं नहीं बचा पाती। वैसे भी मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, कम से कम मेरा बेटा एक राजा की जिंदगी जिएगा। मुझे और क्या चाहिए मालिक, मेरे लिए इतना बहुत है। बस आपसे यही कहने आई थी मालिक, चलती हूँ मालिक। रुक जाओ गीता, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं रहो। घर के छोटे मोटे काम करते हुए तुम अपने बेटे का ध्यान भी रख सकती हो, और तुम्हारे बच्चे को तुमसे दूर करने के पाप से मुझे मुक्ति भी मिल जाएगी। तुम यहीं रहो गीता। मालिक, मैं आपको भगवान समझकर कोई वर मांग सकती हूँ क्या? मांगो गीता। चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरा बेटा है, ये बात आप उसे कभी मत बताइएगा। उसकी माँ तो तुम ही हो, लेकिन आंखें खोलते ही पिता के रूप में उसने मुझे देखा। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ गीता, चाहे कैसे भी हालत क्यों ना आ जाए, कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि वो तुम्हारा बेटा है। क्या हुआ बेटा, अच्छे बच्चे नहीं रोते? हाँ चलो हंसो हंसो बेटा। क्या हुआ बेटा? भैया भैया, मेरे बेटे को देखिए ना कैसे चुप हो गया। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी भैया। भैया भैया देखिए ना, मेरे बच्चे को क्या हुआ, देखिए ना भैया, कुछ कीजिए ना बच्चे को, कुछ कीजिए बेटा। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बच्चे को, क्या हुआ, क्या हुआ मालकिन, क्या हो गया भगवान, क्या हो गया, क्या हो गया बच्चे को बेटा, क्या हुआ लक्ष्मी जी, हमारे बच्चे को देखिए ना, क्या हुआ मुन्ने को, क्या हुआ मुन्ने, जल्दी से डॉक्टर को बुला बेटा, जाओ बेटा, कोई कुछ करो बेटा, कुछ तो बोलो मेरे बेटे को, बेटा भगवान बेटा, तू चिंता मत कर बेटा, विजय बेटा, बेटा बेटा उठो ना, पता नहीं क्या हो गया था बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ मुन्ने को बेटा, मुन्ना मुन्ना मुन्ना, क्या हुआ मुन्ना 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 मुन्ना, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, तुम कौन, मैं नहीं जानती, लेकिन भगवान ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। बेटा, बेटा ठीक हो गया ना? मुझे तो जब ना सोचते हैं क्या हो गया तो। हाय क्या किया, क्यों मैंने किया, टुकड़ा जिगर का दे दिया, छड़ के मैं कैसे जीऊंगी, हाय कैसा मैंने फैसला लिया, मेरी दुआ है कि जीवन में तेरे खुशियां ही खुशियां रहे, आगे बढ़े माँ बाप की आंखों का तारा बने, तू जो आ गया मुझको यूं लगा, जन्मों से नाता है मेरा, ओ, 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 ओ,
क्या किया, क्यों मैंने किया, टुकड़ा जिगर का दे दिया। प्यारी माँ, मामा पैसे चाहिए माँ। पैसे क्यों चाहिए तुझे? सारे फ्रेंड्स पिकनिक जा रहे हैं, वो सब मेरा वेट कर रहे हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अंदर जाके पढ़ाई कर। माँ मैं परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, पैसे दो। ऑलरेडी पिताजी से मैंने परमिशन ले ली है। आहा, तो फिर पैसे भी उन्हीं से ले लेना। ए, क्या किया उसने जो उस पर चला रही हो? हाँ डांटिए पिताजी। ए, टांगे तोड़ दूंगी तेरी। बाप बेटे दोनों अंदर जाओ, जब देखो पैसे मांगता रहता है, आप ही ने बिगाड़ा है इसे। तुम चुप रहो, इस उम्र में पैसे खर्च नहीं करेगा तो कब करेगा? जल्दी से पैसे दे दो इसे। नहीं दूंगी। हाँ? सूर्यवंश के वारिस के लिए पैसे नहीं है क्या? इतनी बड़ी गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री, ये सब किस लिए है? पूजा करने के लिए क्या? What the hell is happening, Dad? हाँ, I think. देखिए जी, अभी इसने कुछ इंग्लिश में कहा, क्या कहा बताइए? काला अक्षर भैंस बराबर, इंग्लिश जानकर क्या करोगे? सही बोला ना, ए माँ माता जी मेरी पालनहार। इसे भीख मांगना सिखा रहे हो क्या? एक दूंगा ना, हर जन्म में तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा, इसलिए अभी रुपए दे दो माँ, ये कह रहा है। इंग्लिश में इतनी छोटी बात का इतना बड़ा मतलब होता है क्या? इंग्लिश ऐसी होती है लक्ष्मी, बात इतनी सी होती है लेकिन मतलब बहुत बड़ा होता है। पैसे दे दो ना लक्ष्मी। बस बस, ज्यादा मस्का मत लगाइए। आप दोनों कितना भी हाथ जोड़ लीजिए, मैं पैसे नहीं देने वाली। और आप इसे ज्यादा मत बिगाड़िए, नहीं तो आगे चलकर आपके जैसा ही बनेगा। इसके लिए कोई अच्छी सी नौकरी देखिए। नौकरी? हमारा बेटा नौकरी करेगा? फैक्ट्री का मालिक नौकरी करेगा? देखो ये क्या डैडी, व्हाट शी इज टेलिंग, आई कांट डू दिस जॉब एंड ऑल, मेक हर अंडरस्टैंड। यस, ए फिर से कुछ कहा ना, क्या कहा इसने बताइए ना, इंग्लिश में कुछ कहा बताइए। बता दूं? वही लक्ष्मी, इसकी नौकरी से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन 10 लोगों का काम तो ये अकेला ही कर लेता है, उन 10 लोगों का क्या होगा? वो बेचारे तो भूखे ही मर जाएंगे ना लक्ष्मी, इसलिए रुपए दे दो मम्मी, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, ये कह रहा है। मगर करेक्ट, सही कह रहा है ये। डैडी पैसों के लिए खिटपिट हो रही है, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना, अंदर जाओ। देखा ना डैडी, मैं क्या देखूं, मम्मी की बात सुनते नहीं हो और मनी 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 करते रहते हो। ये क्या पहन कर रखा है, उतार कर फेंको, और अलमारी में शर्ट रखी है वो पहन कर जाओ। ए गंगाराम शर्ट लेकर आओ। डैडी कपड़े बदलते समय अंदर से पैसे निकाल लेना। दोनों क्या कुसुर पुसुर कर रहे हैं? अब वही तो मैं समझा रहा हूँ ना, ना तुम्हारी बात सुनता है ना मेरी, जब देखो फालतू कपड़े पहनता रहता है। तुम ही बताओ ये कोई अच्छी बात है? निकालो इसे। ए गंगाराम शर्ट लेकर आओ। अरे बाप रे, ये शर्ट लाऊं क्या मालिक? हाँ यही चल पहन ले। मालकिन तो कह रही थी बहुत पुराना है। कोई बात नहीं, दे दो पहन लेगा। अरे दोनों, अरे ये बहुत गंदा है, धो के देना पड़ेगा। ठीक है तो धो के दे दो, पहन लेगा। हाँ यही ठीक रहेगा। डैडी नहीं नहीं, पहले से पहन कर देखने दो, जाओ। मालकिन कोई जरूरत नहीं है, पहले जाकर धो लो। जी अच्छा मालकिन। इस घर में कोई मेरी बात नहीं सुनता, न बीवी बात सुनती है, न बेटा बात सुनता है, और तो और ये भी मेरी बात नहीं सुनता। आपकी बात नहीं सुनूंगा तो किसकी सुनूंगा मालिक? ठीक है ले लीजिए। थैंक यू डैडी। मालिक ये गंदी शर्ट पहनने की इतनी खास जरूरत है क्या? पहले तो जाके नहा के आ, चल। ठीक है। सुनिए जी, जरा यहाँ आएंगे। माला बनानी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? धागा कहाँ है? धागा दो। उस शर्ट की जेब में कितने पैसे रखे थे? पैसे मेरे पास कहाँ है पैसे लक्ष्मी, कैसी बात करती हो? तो फिर ये किसके है? पैसे निकाल लिए। ये शर्ट आप ही पहन लीजिए डैडी। सुन, तेरी पैंट में पैसे रखे उतने बहुत है तुझा। कुछ कुछ मैं अभी गया नहीं हूँ। बाबू क्या है? ये लो, तुम पैसे मांग रहे थे ना, ये तुम रख लो। क्या है ये पैसे? वही जो तुम अभी अपनी माँ से मांग रहे थे, 5 रुपए। हाँ मेरी हैसियत क्या है तुम जानती हो? इसे अपने पास ही रखो।
कहाँ गिर गई, कहाँ गिर गई भाई? हाँ इन्होंने उठाया होगा। ए नहीं नहीं नहीं, नहीं जाओ। हाँ आप रमाकांत को तो जानते हैं ना? बड़बड़ बंद कर नहीं तो नीचे लेटा कर तेरे ऊपर स्कूटर चढ़ा दूंगा। सेठ क्या हुआ? वहाँ देखिए वही पागल है। कहाँ गई होगी? और पॉप सर 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 आप सही समय पर आए हैं सर। तुम्हारे बच्चे मिल गए क्या भाई? मिल गए सर, मेरी माँ पत्नी बच्चे सब मिल गए सर। अच्छा तुम्हारी माँ जयललिता, हाँ, पत्नी रंबा, हाँ, बच्चे लोग चिरंजीवी तेंदुलकर, हाँ, सब लोग मिल गए क्या? सब मिल गए हैं सर, सब घर पर हैं आराम से। तो चलो उनसे मिलते हैं। सर छोटी सी प्रॉब्लम है सर। अब क्या हुआ? मेरी माँ घर से कभी भी भाग जाती है सर, इसलिए मैंने घर को ताला लगा दिया था। और मेरे तो बच्चे हैं ना जिनकी मैंने फोटो दिखाई थी, उनके लिए लॉलीपॉप लेकर बाजार से लौट रहा था, पता नहीं कहाँ गिर गई। यार चिरंजीवी और तेंदुलकर के लिए लॉलीपॉप लाने गए थे। लॉलीपॉप को छोड़ो और घर चलो। सर मेरे घर की चाबी गुम हो गई सर। घर की चाबी गुम हो गई तेरी? ए पांडु सेठ एक छोटा सा पत्थर लेकर आ। ओके छोटा सा आ चलो। अरे भाई हाँ? तुमने तो कहा था ताजमहल तुम्हारा घर है। वो तो रामगोपाल दास को दे दिया मैंने। हाँ? रामगोपाल दास को दे दिया? हाँ? हाँ? ला दे ये लीजिए। फिल्म कैसे लगी जी? क्या फालतू फिल्म देखी, दिमाग का दही हो गया। आप अपना दिमाग बाद में ठीक कीजिए, पहले देखिए वो चोर अपना घर का ताला तोड़ रहे हैं। राजा, राजा। ताला मत तोड़ो, ये लो चाबी। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर रंजीत कुमार का ही घर मिला था चोरी करने के लिए। बेटी पूजा कहाँ हो तुम? हम भी तो वही सोच रहे हैं, ट्रेन तो एक ही बजे पहुँच गई थी, पड़ोस के शंकर उसी ट्रेन से घर पहुँच भी गए, लेकिन ये लड़की अभी तक नहीं आई। फिर कहाँ गई वो? आंटी, अंकल, आंटी कहाँ है सब? और तुमने ये मर्दों की तरह पैंट शर्ट क्यों पहन कर रखा है? ये लेटेस्ट फैशन है आंटी, अगर आप पहनेंगी तो अच्छी लगेंगी। आपको भी दे दूंगी राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी तू भी? अच्छा अच्छा वो कहाँ है? कौन विजय? नो मेरे अंकल। ए वो नहा रहे हैं। वो वहाँ नहा रहे हैं लेकिन आप यहाँ क्या कर रही है? पकड़िए। ए कहाँ जा रही है? साबुन लगाने। बेटी पूजा ए झोलू क्या कर रहा है? क्या कहा ढोलू? ये सब करके कोई फायदा नहीं, ढोलू हो ढोलू ही रहोगे। तुझे तो मैं मुझे बोलो आया बड़ा, मुझे स्टेशन पर आकर रिसीव करने के बजाय यहाँ साइकिलिंग करने का क्या मतलब है? साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही है इसलिए स्टेशन नहीं आ पाया। ये साइकिल चलाओगे तो स्टेशन नहीं आएगा, वो ट्रेन यहाँ आ जाएगी। आहा, वैसे तुम्हें कोई रिसीव करने आए, तुम कोई महारानी हो क्या? हाँ मैं हूँ महारानी, अगर तुम स्टेशन पर आते तो मैं तुम्हें प्रेजेंट देती, लेकिन तुमने मिस कर दिया, बैड लक। क्या लाई हो दिखाओ। पहले मुझे एक चुम्मा दो फिर दिखाऊंगी। चुम्मा? और तुझे? चल भाग यहाँ से बंदरिया। क्या कहा? बंदरिया कहा? क्या मैं तुम्हें बंदरिया दिखती हूँ? हाँ बंदरिया ही है। देते हो या नहीं? नहीं दूंगा। मैं तुमसे चुम्मा लेकर ही रहूंगी। क्या लक्ष्मी क्या कर रही हो? मैं लक्ष्मी नहीं पूजा हूँ। हाँ आंटी आपका नाम लेती है और आप यहाँ आंटी का नाम ले रहे हैं, आखिर माजरा क्या है? वो सब छोड़ो बेटी, तू ठीक तो है ना? ठीक नहीं हूँ। क्यों बेटी क्या हुआ? मैं बहुत गुस्से में हूँ। किस बात के लिए बेटी? आपके बेटे से मैंने कुछ मांगा उसने दिया ही नहीं। हा? उसने तुम्हें नहीं दिया? हाँ, तो ए विजय क्या कर रहा? साइकिल चला रहा है। साइकिल छोड़ और जल्दी से यहाँ, तुझे जो चाहिए वो देगा। अरे जल्दी दे, तुम उसे बुलाओ। पूजा ने उसे कुछ मांगा और उसने मना कर दिया। पता नहीं इसने उससे क्या मांगा होगा। ये कुछ भी मांगे लक्ष्मी उसे देना चाहिए था ना। ए विजय इधर आ। क्या है मम्मी? क्या है डैडी? नहीं साइकिल दे दे से। साइकिल? हाँ साइकिल नहीं अंकल। हाँ साइकिल नहीं चाहिए, जो चाहिए इसे दे दो। नहीं डैडी मैं नहीं दूंगा। ए दे बोला ना। आप जानते नहीं डैडी, आप चुप रहिए। जिद क्यों कर रहा है? इस बंदरिया को आप नहीं जानते डैडी। देखिए ना अंकल ये मुझे ना। तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया? तुम चुप रहो,
अपनी माँ को बंदरिया कह रहा है? डैडी, इस बंदरिया से मेरी माँ को कंपेयर मत कीजिए, मेरी माँ महालक्ष्मी है। इसीलिए तो मैंने इसे अपने साथ रखा है। रख लिया मतलब? मैंने तुम्हारे साथ शादी की। तो क्या मैं बंदरिया हूँ? इसे समझा दीजिए, नहीं तो मैं। तुम शांत हो जाओ, तुम महालक्ष्मी हो, दे दो। नहीं दूंगा डैडी। तुम कहो ना लक्ष्मी। हे भगवान, चुप हो जाइए। पूजा, तुमने इसे क्या मांगा है बताओ? एक सिंपल सी चीज। सिंपल सी चीज है? क्या सिंपल सी चीज? एक छोटा सा केस। छोटी सी तो है। केस? हाँ। केस? हाँ। तू तो बहुत ही बेशरम हो गई। चल भाग यहाँ से। चल भाग। विजय, तू भी जा। नीचे दे देना। ए रुक, इधर से नहीं, उधर से जा। वहाँ जाकर देना। हाँ? ए, मत देना। उस लड़की को तो जरा भी शर्म नहीं, और आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। गलत बात है, अभी तक शादी हुई नहीं है और इन्हें चुम्मा चाहिए। गलत बात है। ज्यादा मत बनिए। कैसे बच्चे? इनकी शादी नहीं हुई लेकिन हमारी शादी तो हो गई है ना। क्या हुआ आपको? कुछ भी तो नहीं, मैं तो चुपचाप कंघी कर रहा था तो अचानक उसने मुझे गुदगुदी की तो मुझे लगा कि तुम। उसने आपके साथ भी ऐसा किया? मैं जब खाना बना रही थी तो मेरे साथ भी किया। अच्छा, मुझे लगा कि आप हैं। ये बात है? अरे तुम्हें जब भी देखता हूँ मैं पहक जाता हूँ। अंकल, आप क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी आंटी करे। तो मैं जाऊँ क्या? हाँ जाओ जाओ, चले जाओ, अब हम दोनों अकेले। आ जाओ। उस नीच लड़के से उसे दूर रखने के लिए ही मैं अपनी बेटी को यहाँ से दूर शहर में पढ़ा रहा हूँ। सुन, खबरदार अगर दोबारा तूने मेरी बेटी को वहां भेजा। आओ बेटी, आओ आओ, बैठो बैठो। ए, खाना लगा। क्या हुआ डैडी, माँ क्यों रो रही है? रो रही है? वो तुझे और मुझे रुलाएगी, खुद रोएगी लगता है क्या? आंखों में कचरा गया होगा, आंखें साफ कर लो भाई। मैंने तुम्हें मारा है ऐसा मेरी बेटी को लग रहा है। अच्छा सुनो बेटी, तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उसका सही जवाब देना। क्या बात है डैडी? तुम आगे और पढ़ोगी या शादी करोगी? इन दोनों उंगलियों में से एक पकड़िए। ये शादी डैडी। ये पकड़ूं या ये पकड़ूं? ये वाली। ये भी शादी वाली है डैडी, आप ये उंगली पकड़ते तो भी शादी होती। कितनी सयानी है मेरी बिटिया रानी, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखूंगा। मुझको बुलवाया मालिक? हाँ, वो क्या है ना, तुम और हम दोनों रिश्तेदार हैं। पहले तुम मुझे भाई साहब बुलाते थे, वो बात मुझे अच्छी तरह से याद है। मेरे बेटे के साथ तुम्हारी बेटी की मैं शादी करवाने के बारे में सोच रहा हूँ, तुम्हारा क्या कहना है? अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ भाई, मैं खुद ही रिश्ते की बात करने तुम्हारे घर आने वाला था, मैं वहाँ के लिए निकल ही गया था, फिर सोचा अचानक जाना ठीक नहीं होगा इसलिए तुम्हें यहाँ बुला लिया। अब बताओ। वो एक बार घर में भी पूछ लूं तो अच्छा रहेगा। अरे भाई, इसमें घर वालों को पूछने की क्या बात है? देखो भाई, इस पूरे गाँव में मेरे बेटे ने ही इंजीनियरिंग किया है, उसे लड़की देने के लिए पूरा गांव हमारे पीछे पड़ा है। क्यों रे, पिछले हफ्ते तुम्हें बाल कटवाने के लिए कहा था ना, तो फिर क्यों बाल बढ़ा रहा है? पैसे चाहिए क्या? तो मांग लेता ना। देखो माधव, मेरी नजर में पैसा वैसा कुछ नहीं है, रिश्ता मेरे लिए सब कुछ है, खास करके अच्छे परिवार के साथ। क्योंकि माधव, मेरे बेटे को मेरी तरह से नहीं, तुम्हारे जैसे शरीफों की तरह पाला है, समझे? अब ज्यादा सोचो मत, हाँ कह दो। भाई साहब, दो दिनों बाद गांव में उत्सव है, उसके खत्म होते ही मैं खुद आकर आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो उत्सव के बाद मैं रिश्ता पक्का मान लेता हूँ।
कभी देखा कहीं तूने मेरे जैसा रसिया, अभी के अभी छुट्टी कर दूँ हाँ। अभी देखा तूने क्या है तेरी हालत कर दूँ मैं, दिन में तारे देखेगा तू हाँ। छुट्टी कर दूँ मैं तो तेरी, मैं तो हूँ बिजली मुझसे तू बचना, झटके मैं दूंगी थोड़ा दूर रहना। नकली जवानी दो दिन की दो पल में मिट जाएगी, मुफ्त मुफ्त का माल माल है यूं ही बस लुट जाएगी, अरे मुफ्त मुफ्त का माल माल है यूं ही बस लुट जाएगी। वो मेंटल के साथ अपनी दुकान में नहीं आता। ये क्या? क्यों रो रहा है? ये क्या? अपनी दुकान के सामने इतने लोग क्यों जमा है? वहाँ से किसी के रोने की आवाज आ रही है, मैं जाकर देख कर आता हूँ, आप यहीं रुकिए। डैडी मैं कैसे जीऊंगा? डैडी 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 मुझे बताए बिना कहाँ चले गए डैडी? हार्ट अटैक ने आपकी जान ले ली और आप मुझसे दूर हो गए। सेठ सेठ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ? उस पागल का बाप मर गया और वहाँ फोटो रखकर रो रहा है। अच्छा हुआ पनौती चली गई, कितने दिनों तक ये खो गया वो खो गया क्या क्या परेशान कर रखा था, चनी दूर हो गया। आप चलकर देखिए ना सेठ। मैं नहीं आऊंगा, तू जा रहे। अरे सेठ आपका जाना जरूरी है। अबे तू जाना, आप जाइए ना, पेको लगाया क्या? जाता है मैं तुझे जा। अरे डैडी कहाँ चले गए? मेरे डैडी कहाँ गए? सेठ ये देखिए। सेठ ये क्या हुआ? वहां मत चढ़िए सेठ, नीचे उतरिए सेठ। ये बंदरों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं आप? तुम्हारी वजह से मेरे सेठ पागल हो गए हैं। ये सारा नाटक मैं ऐसे पागल बनाने के लिए ही तो कर रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो? बताता हूँ, 15 साल पहले इस आदमी ने मेरी बहन से प्यार करने का नाटक करके किसी और के साथ शादी कर ली थी। मेरी बहन पता है कौन है? नहीं। नीलांबरी। नीलांबरी कौन है पता है? मेरी बहन। तब से वो अकेले कमरे में बैठकर इसकी शादी की कैसेट आगे पीछे पीछे आगे आगे पीछे पीछे आगे पागलों की तरह कैसेट देखती रहती है। बेचारी पागल हो गई है। पूजा रुको, पूजा पूजा मेरी बात तो सुनो। नहीं। पूजा प्लीज। पूजा तो अंदर कहाँ जा रहा है? अंकल वो पूजा के साथ। पूजा अब छोटी नहीं रही जो उसके साथ खेल रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा अंकल, पूजा से कुछ बात करनी। जाओ, मैंने कहा ना, चलो जाओ यहाँ से, निकलो। धक्का क्यों मार रहे हैं? क्या हुआ? क्या रे, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, इज्जत से पेशा। इज्जत का इतना ख्याल है तो करना भी सीख ले। क्या करेंगे? ये क्या कर रहे हो बेटा? ये तुम्हारे अंकल है और इनसे ऐसे पेश आ रहे हो? और अंकल ने जो किया वो ठीक है क्या? तू बच्चे की मुंह क्यों लग रहा है बेटा? तू बीच में मत बोल माँ। अरे पर बेटा, तुम पूजा को लेकर अंदर जाओ। अरे देख क्या रही हो, पूजा को लेकर अंदर जाओ, मैंने तुमसे कहा ना। इन पर गुस्सा क्यों रहे हो? देखो ना जीजा जी, बड़ों का लिहाज ही नहीं करता है, अनाप सकता है। इनसे पूछो डैडी उन्होंने क्या कहा। देखा ना, आपके सामने ही कैसे बोल रहा है। ठीक है मैं बात करता हूँ, तुम जाओ। पहले उन्होंने क्या क्या पूछे डैडी? बहुत अच्छे संस्कार पाए हैं इसने। संस्कार अच्छे ही है लेकिन आप। मैंने कहा ना मैं बात करता हूँ, तुम घर जाओ। लेकिन डैडी मैं जो कह रहा हूँ आप सुनते क्यों नहीं? जितना कहा है उतना करो, तुम घर जाओ। पहले आप मेरी बात तो सुनिए डैडी। गीता ये रुक,
सुबह का गया है अब आ रहा है, कहाँ गया था बताओ। माँ मैं बहुत गुस्से में हूँ, सवाल जवाब करके मेरा दिमाग मत खराब करो। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ, सबके सामने डैडी ने मुझे चाटा मारा। मारा तुझे? अरे वाह, ये काम तूने बहुत पहले करना चाहिए था, शुक्र है अब तो किया। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है? तुम्हें बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? छत पर। वहाँ जाकर क्या करेगा? ऊपर से कूदने के लिए, ना तुम चाहिए ना खाना चाहिए, तुम दोनों पति पत्नी खुश रहो। हटो। मैंने से खाने की बात कब की? ये क्या मालकिन, बेटा ऊपर से कूद कर जान देने की बात कर रहा है। वो क्या कूदेगा, उसका बस चले तो हम दोनों को कूदने के लिए कहे। ये लो ये कपड़े ले जाओ और धो लो। हाँ। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी। हाँ। विजय कहाँ है? ये क्या जी, आपने सच में उसे चांटा मारा? पता है मुझे कितना गुस्सा है, तुम्हारे भाई को दो थप्पड़ मारने वाला था, उसे मारना ठीक नहीं लगा इसलिए अपने बेटे को मार दिया। अब क्या पता उसने क्या किया और भैया ने क्यों डांटा। उसने कोई भी गलती की हो तुम्हारे भाई को क्या करना चाहिए था, हमें आकर बताना चाहिए था ना। उसने क्या किया, होने वाले दामाद को चार लोगों के सामने बिना सोचे समझे डांटने लगा। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हारे घर के सारे लोग ऐसे ही क्यों हैं? क्या कहा? तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे घर वालों को कह रहा हूँ। तुम तो मेरे अर्धांगी नहीं हो ना। विजय छत से कूद कर जान देने गया है। क्या, छत से कूद कर जान देने के लिए गया है? वो कूदने गया है और तुम यहाँ। ए विजय, विजय बेटा ये तू क्या कर रहा है बेटा, चल इधर आ। आप यहाँ मत आइए वरना मैं कूद जाऊंगा। ठीक है मैं यहीं खड़ा हूँ, तू आजा, आजा आजा बेटा नीचे उतर जा, आजा। मैं नहीं आऊंगा, अंकल के सामने मुझे क्यों मारा? गलती हो गई बेटा, मामा जी अच्छे आदमी बेटा, अगर तुम्हारे सामने उनको चिल्लाता तो उन्हें बुरा लगता ना बेटा, बात को समझा करो। चलो नीचे आ जाओ बेटा, हम लोग खाना खाएंगे, आ जाओ। अरे गिर जाओगे बेटा। मैं गिरूं या मरूं, आपको इससे क्या, आप जाइए आप अच्छे से खाइए। लक्ष्मी चिकन तंदूरी सिर्फ मेरे लिए निकाल कर रखो, मैं अभी आकर। मैं यहाँ ही हूँ। ओहो तुम्हारी जरा सी तरफदारी क्या कर दी, तुम तो इतराने लगी। ठीक है चलो जल्दी से खाना लगाओ, ये खुद ही आ जाएगा। ए ये एक्टिंग वगैरह छोड़ना बेटा, फिर डैडी खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं, बाद में तुझे कुछ नहीं मिलेगा। माँ डैडी को खाना मत देना। भूख लगी है तो चल वरना जा। माँ क्या मुसीबत, तुम भी जा रही हो? बापरे बहुत ऊंचा है वो, आ रहा है। ठीक है आने दे। हाँ लक्ष्मी, हमारी शादी के दूसरे दिन तुमने चिकन करी बहुत अच्छी बनाई थी, वाह 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 वाह, खा के मजा आ गया था, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया था तुमने, उसके बाद से आज तक वैसा मजा नहीं आया कभी। और उस दिन मुर्गी की टांग के बजाय आपने मेरी उंगली चबा ली थी पता है। अभी तक तुम भूली नहीं है। धीरे से आसिए, पेट भर गया ना, निकालिए और डकार निकालिए। माँ तुमने भी खा लिया ना? मेरे पति ने खा लिया तो मैंने भी खा लिया, तुम क्यों नहीं खाओगी? ए विजय इस घर में तेरी कोई हैसियत ही नहीं है, अगर तेरी पत्नी होती ना तो तुझे इनकी तरह खिलाती, मेरी तो किस्मत ही खराब है, यहाँ किसी को मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। छे कुछ बचा भी है या नहीं, बाउल पूरा खाली है, सब खत्म कर दिया, अब क्या खाऊं, जो है खा लेते हैं, क्या किस्मत है मेरी। बेटे को छोड़कर खुद खा लिया, तुम मेरी माँ ही हो ना। चल हट। ए जी सुनिए, खाना खाने आ जाइए। क्या डैडी ने अब तक खाना नहीं खाया? माँ आज तक कभी भी उन्होंने तेरे बिना खाना खाया है क्या? लीजिए डैडी खाइए। पहले तू खा बेटा। तुम भी खाओ माँ। पिता को तो खाना खिला रहा है, लेकिन कभी अपनी इस बूढ़ी माँ को भी खाना खिलाया कर, मन को शांति मिल जाएगी। बेटा बाबू जी कहिए। मोहन कहाँ है? वो किसी जरूरी काम से शहर गए हैं। अच्छा माधुरी कहाँ है, बहुत दिनों से दिख नहीं रही। आप नहीं जानते क्या, 15 सालों से वो अंधेरे कमरे में अकेली बैठी रहती है। कौन है ये, दरवाजा किसने खोला, बंद करो दरवाजा बंद करो। ये क्या माधुरी, ये सब क्या है, कितने दिनों तक ये शादी की कैसेट देखती रहोगी? जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता तब तक। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो माधुरी, किसी राजा राम नाम के धोखेबाज आदमी के लिए तुम अपने आप को धोखा दे रही हो, अपनी सुंदरता अपनी जवानी अपना जीवन सब बर्बाद कर रही हो। तुम अगर सच में उससे बदला लेना चाहती हो तो तुम शादी कर लो मुझ जैसे नौजवान से, ज्यादा सुख देने वाला मर्द
ज्यादा सुख पाने वाली औरत उन दोनों की जीत किसी भी चरित्र में नहीं है। इसी तरह 15 साल पहले उस राजा राम ने भी यही डायलॉग मेरे सामने बोला था, इसलिए मैं उसके जाल में फंस गई। वैसे आप कौन हैं? राजा, सबके दिल का राजा, गंगा भाई। वही स्माइल है, वही स्टाइल है, वही अदा, वही अंदाज। मधु गंगू, मधु गंगू, मधु गंगू, मधु गंगू, मधु। अब हम अपना घर बसाएंगे रानी। ये विजय ऐसे कहाँ जा रहा है, बाल गीले रखेगा तो सर्दी लग जाएगी। रुक आंटी। आओ बेटी आओ। तू यहाँ क्यों आई, चल जा यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? तू जाती है या मैं जाऊँ? मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। तुझे तो मैं। बेटा रुकना। देखी ना आंटी, खुद गलती करता है और मुझ पर भड़कता है। सोचा अंकल से मार खाकर लार साहब का मूड खराब होगा इसलिए मना रहे, और ये मुझ पर ही भड़कता है। बिल्कुल सही है। तुम चुप रहो माँ, अगर मम्मी डैडी ऊपर ना आते तो मैं ऊपर से कूदने वाला था। ये सब तुम्हारी गलती है। शक्ल देख कर पता चलता है। चल जा। चुप कर। गुस्से की वजह से तेरा मूड खराब होगा, इसीलिए तेरे लिए एक अच्छी सी चीज लाई है। क्या लाई हो बेटी? ड्रेस है आंटी। ड्रेस? मुझे ड्रेस देने वाली तू कौन होती है? नहीं चाहिए तो जाओ। क्या हुआ बेटी, लड़ क्यों रहे हो तुम लोग? देखिए ना अंकल, किसी और का गुस्सा मुझ पर उतार आई है। क्यों रे, प्यार से बात नहीं कर सकता, जब देखो लड़ता रहता है। डैडी आप कुछ नहीं जानते। डैडी ओह, तू सब कुछ जानता है क्या? अच्छा बेटी क्या है इसमें? नया ड्रेस है अंकल। किसके लिए? इसके लिए। इसकी शक्ल देखिए आपने। हाँ। ये ड्रेस आप जैसे हैंडसम लोगों के लिए है अंकल। हाँ। इसका मुँह देखिए, पूरा बंदर लगता है। डैडी इसे कह दीजिए कुछ भी बकवास ना करे, नहीं तो मैं इसका मुँह तोड़ दूंगा। क्यों, खुद नहीं बोल सकता? मजाक कर रहा था बेटी। देखो ना तू क्यों इतना टेंशन लेता है, बैठ जा। आप ही के लिए है अंकल, आजकल जीन्स सूट नहीं होता वो अभी पहनते हैं। आप पहनेंगे तो अच्छे दिखेंगे। मुझ पर जीन्स अच्छी नहीं लगती बेटा, ये तुम्हारी आंटी पर अच्छी लगेगी, इसे पहनाओ ये जीन्स। क्या आंटी जीन्स पहनती थी? ऐसी कोई बात नहीं है, बताइए ना अंकल, बताइए ना। अरे सुनो तो, कह रहे हैं आप? मैं बताता हूँ, उस दिन हमारी शादी का दिन था। हाँ, पलंग को पूरी तरह फूलों से सजाया था, मेरे हाथ में सेंट की बोतल थी। ए, वो सेंट की बोतल कहाँ है? आप ही ना कुछ भी कहते हैं। क्या शर्मा रही है। आगे सुनो बेटी, वो सेंट की बोतल लेकर पुस पुस करके सारी जगह में डाल दिया। उसके बाद तुम्हारी आंटी वहाँ से निकली और छोड़िए ना, आप क्या कर रहे हैं? और क्या, अपनी बीवी के साथ प्यार कर रहा हूँ इस तरह दिन दहाड़े? क्यों, दिन दहाड़े कोई प्यार नहीं करता क्या? आप अभी बाहर जाइए मुझे कपड़े बदलने। इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, आज मैं तुम्हें कपड़े पहनाऊंगा। ओफो, मुझे साड़ी पहनना आता है, आप बाहर जाइए। हाँ, बहुत अच्छी तरह आता है, 5 मिनट लेट आया, नहीं तो मैं तुम्हें नहलाने भी वाला था क्या? रहने दीजिए, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ ना जो आप मुझे नहलाएंगे। हाँ, बच्ची ही तो हो, देखो कान में साबुन लगा। ओफो, ए ए लक्ष्मी रुको रुको, अरे रुको, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, ये तुम्हें जरूर पसंद आएगा। देखो ये तो, ये बनारसी साड़ी है ना? नहीं। कांजीवरम? नहीं। तो फिर रफ एंड टफ जीन्स। अब देखो टन टन। क्या हो गया आपको, मैं ये पहनूंगी क्या, पागल हो गए हो? अच्छी लगेगी लक्ष्मी तुम्हारे फिगर पर। हाय हाय, चलो जल्दी से पहन लो। मैं नहीं पहनूंगी। प्लीज। नहीं मैं नहीं पहनूंगी। प्लीज लक्ष्मी। नहीं लक्ष्मी, प्लीज प्लीज एक बार पहन लो ना प्लीज। आप क्यों आ रहे? जीन्स पहनाने के लिए। जीन्स पहनना मुझे आता है, आप जाइए। जीन्स पहनना आसान काम नहीं है लक्ष्मी, बहुत मुश्किल है। ये पैर डालो, वो पैर डालो और उसके बाद चेन लगाना बहुत मुश्किल है। आओ। मुझे पहनना आता है कहा है ना, आप यहाँ से जाइए। अरे जानू मैं आ रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं। ठीक है जा रहा हूँ। Mm-hmm.
चलो ना मिल के मौज उड़ाए, नचता था थैया कुछ टाका भिड़ाए। मेरे पास आ जा, ये दिल ले जा, तू क्या जाने दिल ना माने, fall in my love my dear, आ जा dear, प्यारा प्यारा वेदर, मैं हूँ बिल्कुल near, मेरे हम सफर। तेरी जुल्फों में उलझा, मेरी जुल्फें उलझी है तो सुलझा, तू मुझे लगे उड़ती हुई पतंग, सच है ये तू ले चल अपने संग, मैंने ये दिल तुझी पे हारा, जीवन ये तुझी पे वारा, मोहब्बत के चर्चे जमाने में होंगे होंगे ना हम तुम जुदा, ओ मेरे हम सफर, ओ मेरे हम सफर, ओ मेरे हम सफर, ओ मेरे हम सफर। हेलो जी सुन लो दिल क्या सुनाए, बिजी सड़क पर नाचेगा। लेना लाइट कच्ची मैं कली कभी ना करना फाइट, बचना तू मैं दूंगा लेफ्ट और राइट, सैया मेरे तू बाहों में लेना, बदले में प्यार तू देना, मैं नाचूं मैं गाऊं गगन में उड़ जाऊं, मैं भी तेरे संग चलूं, ओ मेरे हम सफर, ओ मेरे हम सफर, ओ मेरे हम सफर, ओ मेरे हम सफर, चलो ना मिलके मौज उड़ाए, बिजी सड़क पर नाचेगा, मेरे पास आ जा ये दिल ले जा, तू क्या जाने दिल ना माने, fall in my love my dear, ओ मेरे हम सफर, ओ मेरे हम सफर, ओ मेरे हम सफर, ओ मेरे हम सफर। ए, इतना चिल्ला क्यों रही है? ए, यहाँ क्या कर रही है? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तुम भी ना हेलो। ए, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे बगल में जो बैठी है ना उससे बात कर रहा हूँ। इस बंदरिया से? क्या रानी, गांव में इस तरह खुलेआम नहा रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ए, तू जा यहाँ से, इसके साथ अच्छी तरह से इसके घर पे नहा लेना, जा। तुझे क्यों जलन हो रही है? अपने आप को हैंडसम समझते हो? हाँ हाँ समझता हूँ। तू जा कह रही हूँ ना, जा भाग यहाँ से, चल। पूजा प्लीज, मेरे सामने दूसरी लड़की का हाथ पकड़ते हो, जाओ यहाँ से। ए पूजा रुको ना, पूजा रुक, बोला ना छोड़ो, मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो, क्या करूँ, उसी का हाथ पकड़ो। उसका हाथ पकड़ने वाला कोई और मिल जाएगा, तुम्हारा हाथ तो मैं ही पकड़ूंगा। कोई जरूरत नहीं है, जाओ। मालिक मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। कोई जरूरत नहीं, रुको, पूजा रुको। नहीं आना, भाग कर कहाँ जाओगी, एक दिन तुझे मेरे घर ही आना है, समझी? आइए माधव जी, आइए। और क्या सोचा है?
आपने कहा था उत्सव के बाद घर वालों से रिश्ते की बात करेंगे, बात हो गई क्या? क्या सोच रहे हैं आप? अच्छा क्या लेंगे आप, कॉफी या चाय या फिर कोल्ड ड्रिंक लेंगे? अरे ऐसे खड़े खड़े क्या देख रही हो, अरे जाओ ठंडा वंडा कुछ लेकर आओ। बैठिए माधव जी, बैठिए। रहने दीजिए भाई साहब, कुछ नहीं चाहिए। बात पक्की हो जाए तो फिर जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू कर दें। ये तो बहुत अच्छी बात है, बैठिए। भाई साहब कल अच्छा दिन है, रीति रिवाज के अनुसार आप हमारे घर में आकर लड़की को देख कर हाँ कहेंगे तो बाकी की बातें बाद में कर लेंगे। एक दो दिन में आ जाएंगे। आंटी 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 आओ बेटी, सही वक्त पर आई हो। जल्दी से इसके टुकड़े कर दे, मसाला लगाकर फ्राई करना है। मैं यहाँ आपकी मुर्गी काटने नहीं आई हूँ। पहले मुझे एक बात बताइए, आपकी शादी कब हुई? यही कुछ 25 साल हो गए हैं। और मेरी माँ की शादी कब हुई? 20 साल हुए होंगे। और उस बुढ़िया की? कौन बुढ़िया? वही मेरी दादी। मारूंगी। बाद में मार लेना, पहले जवाब दो। 40 साल हुए होंगे। तो उस हिसाब से अब मेरी उम्र कितनी होगी? तू किस साल पैदा हुई? को यही अगर याद नहीं है तो मेरी शादी के बारे में क्या सोचेंगे? अब मैं 19 की हो गई हूँ। I'm major, I'm a free bird। अगर मैं आपके बेटे को यहाँ से उड़ाकर नैनीताल ले गई हनीमून मनाने के लिए, फिर ये मत कहना कि मेरी इज्जत चली गई, मेरा मान सम्मान चला गया, मेरा ये गया, मेरा वो गया। I'm not responsible। क्या कहा? मैं उसकी जिम्मेदार नहीं रहूंगी। वो नहीं, उससे पहले तूने क्या कहा? शादी से पहले मेरे बेटे को हनीमून पर ले जाएगी? हाँ। हाँ। पर काट दूंगी तेरे। तेरी शादी कब करवानी है मुझे पता है, पहले जल्दी से मुर्गी काट। दीदी माधुरी दीदी बाहर आओ, दीदी तुम्हारा भाई जीत कर आया है, उससे मिलने के लिए बाहर आओ। दीदी 15 साल से जिसके लिए तुम तड़प रही हो उस दुश्मन को हरा कर आ रहा हूँ। दीदी बाहर आओ, दीदी आरती लेकर आओ। दीदी आओ। कितनी देर लगा रही हो दीदी? कहीं सपना तो नहीं है? ये सब क्या है दीदी? मैं ही हूँ रे तेरी माधुरी दीदी। यकीन ही नहीं हो रहा तुम्हें इस तरह से बदलने वाला ये महापुरुष कौन है दीदी? वो देखो वो वहाँ अंदर बैठे हैं। अभी बुलाती हूँ। सुनिए जी, आपके साले को आपसे मिलने की इच्छा हो रही है, आइए ना। यही है अपना चश्मा मुझे देकर। मेरी आंखें खोलने वाले महान इंसान, उस गोरे राजा राम ने मुझे धोखा दिया और इस काले गंगा राम ने मुझे जीना सिखाया। अच्छा जीजा जी, साले जी, जीजा जी, साले जी, जीजा जी, बोल ले साले। ये क्या है? तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारी बहन के साथ मैंने शादी की, सुहाग रात भी मना ली, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सूर्यवंश की ये डोर मैंने अपने माथे पर बांध रखी है। अब तुम अपने हाथ से खोल दो। सूर्यवंश की डोर दाहिने हाथ में और मेरी बहन की डोर बाएं हाथ में। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। भैया, दीदी, तुमने उस राजा राम को क्या सजा दी बताओ? बताऊंगा नहीं, तुम खुद ही देख लो। मेरी माँ जयललिता है, पत्नी रंभा है और हमारा घर ताजमहल है। मेरे तो बेटे भी हैं, दुनिया में उनका बहुत नाम है। एक है चिरंजीवी और दूसरा तेंदुलकर। तेंदुलकर चिरंजीवी, चिरंजीवी सिल्वर जुबली प्रिंस है, रंभा जयललिता। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ओहो मेरा ताजमहल बहुत ही बढ़िया है। ओहो शूज यहाँ क्यों हैं? नीचे होने चाहिए थे, स्टाइल है, आजकल का स्टाइल है। ये लो तुम्हारा भाई यहीं आ गया। ये क्या लक्ष्मी, इतनी तैयारियों के साथ कहाँ जा रही हो? कहीं कुछ खास है क्या? खास ही तो है। सूर्यवंश के खानदान में बहुत ही शुभ कार्य होने जा रहा है भैया। रीति रिवाज के अनुसार तुम्हें हमारे घर आकर बात करना चाहिए थी और फिर थोड़ा इतराने के बाद हम लोग मान लेते, लेकिन तुम मेरे भाई जैसे हो, हमारे बीच भेदभाव किस लिए, ये सोचकर हम ही चले आए। चलो अंदर चलकर बात करते। नहीं लक्ष्मी, वो मुझे थोड़ा अर्जेंट काम से कहीं जल्दी पहुंचना है। तुम और जीजा जी घर जाओ, मैं बाद में आकर बात कर लूंगा। अरे यहाँ हम किस काम के लिए आए हैं और तुम कैसी बात कर रहे हो? चलो घर के अंदर। वो नहीं है जीजा जी, आजकल इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता। दामाद जी, रिश्तेदार घर आ रहे हैं और ये बेशरम रास्ते पर खड़े रहकर ही उनसे बात कर रहा है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? ये मेरी बहन है और वो मेरे जीजा जी है, मैं नहीं जानता क्या? तुम घर जाओ। मैंने कहा ना घर जाओ।
तुम घर जाओ लक्ष्मी, मैं बाद में आता हूँ। ए, अंदर बैठाने की बजाय तुम हमें बाहर जाने के लिए कह रहे हो, और जो बुला रहे हैं उन्हें भी डांट रहे हो, आखिर हो क्या गया तुम्हें? वो बात नहीं है जीजा जी। तो और क्या बात है? आप रुकिए, देखिए भैया, हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हैं, आपको कोई एतराज है? रास्ते पर ये सब किस लिए लक्ष्मी? मैं आकर बात करूंगा, कहा ना तुम घर जाओ। अरे ये क्या बात हुई, हम जब से आए हैं जाओ जाओ कह रहे हैं, आपके दिल में क्या है बताइए, जब आप बताएंगे तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। देखो लक्ष्मी, तुम मेरी सगी बहन नहीं हो लेकिन बहन से बढ़कर हो, उस रिश्ते से तुम जब चाहो मेरे घर आ सकती हो, लेकिन अपनी बेटी का रिश्ता उस लड़के से जोड़ना मुझे मंजूर नहीं, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। कह रहे हैं भैया? तो कुछ नहीं जानती है, छोड़ना, जो राज मेरे दिल में है वो बता दूंगा तो तुम टूट जाओगी। ए, चुप रहो, आगे तुमने कुछ भी कहा तो अच्छा नहीं होगा, मना करने की वजह क्या बताओ? जीजा जी आप जाइए। बेटे के साथ मेरी बेटी के रिश्ते की बात करने आए हैं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग जाइए। क्या कहा, रिश्ते की बात करने आए हैं? मेरे बेटे में क्या कमी है जो बाहर वालों से रिश्ता जोड़ रहे हैं? मेरे और मेरे पति का अपमान किया आपने, आखिर हो क्या गया भैया आपको? पहले तो लक्ष्मी लक्ष्मी कह के अपनी बहन को सीने से लगाते थे, वो सब दिखावा था क्या? और ऊपर से कहते हो कि हर जन्म में मैं तुम्हारी बहन बनूं? हाँ, घर आई हुई बहन को इस तरह से रुलाओगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। किसी वक्त इनसे कह दो कि ये यहाँ से चुपचाप चले जाए। हमें यहाँ से जाने को कहने वाले तू कौन होते है? क्या कहा तुमने? चांद से भाग दूंगा तुझे। आपके और इनके बीच हजारों झगड़े होंगे लेकिन आज ये मेरे घर के मेहमान है और मैं इनकी जरा भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप जाइए यहाँ से, अब अंदर चलिए। तूने मुझे पागल समझ के रखा है क्या? मेरी बात का जवाब देकर जा। हाँ हटाइए, मुझे और आपको जो सच्चाई पता है वो मेरे बहन को पता चली तो जीता जी मर जाएगी, इसलिए आज मैंने अपना मुंह बंद करके रखा है। जाइए यहाँ से। बाबू, आपने मेरे बेटे पर हाथ उठाया। मेरा बेटा कहकर उसके प्यार में तू अंधी हो गई है, वो तेरा बेटा नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, इस सच्चाई का पता चलते ही कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए इस डर से ये राज मैंने अपने दिल में छुपा कर रखा। क्या रे मुझे जान से मारने की बात करता है? तेरी माँ कौन है तुझे पता है? सच्चाई तुझे मालूम नहीं है, हट बीजे, ये नौकरानी तेरी माँ है। भैया, भैया आप कह दीजिए। लक्ष्मी मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, तू मुझसे क्या पूछ रही है? जिसने किया वो इस तरह मासूम बनकर खड़ा है, इस आदमी से पूछो, बताइए। नहीं बताएंगे, नहीं बता पाएंगे, क्या मैं जो कह रहा हूँ वो सच है? शाबाश सूर्यवंशी, आज सूर्यवंशियों की इज्जत पूरे गांव में नीलाम होगी। अच्छा है, माँ तो इधर है लेकिन बाप कहाँ है? हाँ? ए, खबरदार, अगर किसी ने अपनी जुबान से एक शब्द भी निकाला तो अपनी हालत का जिम्मेदार वो खुद होगा। विजय मेरा बेटा है और मैं इसका बाप, मैं हूं विजय का बाप, मैं हूं विजय का बाप, मैं हूं विजय का बाप। बात यह है लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी, छोड़िए लक्ष्मी, मेरी बात तो सुनो लक्ष्मी, बात हुआ नहीं है, मुझे गलत मत समझो लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी मेरी बात सुनो, लक्ष्मी 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 मेरी लक्ष्मी मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो, भगवान के लिए मेरी बात सुनो। जो पत्नी आपको अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी उसी पत्नी को आपने धोखा दिया। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया लक्ष्मी, मैं जो कर रहा हूँ वो आप कुछ और मत कहिए, पूरे गाँव के सामने आपने मेरे बच्चों को एक पल में अलग कर दिया, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ वो मेरा बेटा नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ये मैं क्या सुन रही हूँ भगवान?
अब मैं कैसे जीऊंगी? देखो सच्चाई क्या है तुम जानती हो? नहीं कुछ मत कही, मुझे कुछ नहीं सुनना है। पूरे गांव के साथ आप न्याय करते हैं और आपने अपनों के साथ ही धोखा किया, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। इतने दिनों तक मैंने आपके साथ जीवन बिताया लेकिन मैं आपको कभी नहीं समझ पाई, मैं कितनी पागल हूँ भगवान। माँ, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। ऐसा मत कहो माँ। तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। नहीं माँ, कौन कहता है कि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ? कोई कुछ भी कहे मैं तेरा ही बेटा रहूंगा माँ। माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ। विजय, मुझसे दूर रहिए, मुझसे बात मत कीजिए। आप बात करेंगे तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। बेटा, तू अपनी माँ को छोड़कर जाएगा? अगर तू चला गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा लेकिन इनके साथ नहीं रहूंगा माँ। चलो यहाँ से माँ, चलो। नहीं बेटा, तू तो जा सकता है लेकिन मैं एक सुहागन हूँ और एक सुहागन अपने पति का घर छोड़कर कैसे जा सकती है बेटा? माँ नहीं माँ, मैं यही रहूंगी। जब तक मैं नहीं जाती एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी, इनकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। यही है इनकी सजा। और सुन बेटा, मेरे मरने के बाद मेरी चिता को अग्नि तू ही देना। माँ तुम ये कैसी बात कर रही हो? ऐसा मत कहो माँ, प्लीज माँ। इन्हें मेरी चिता को हाथ भी मत लगाने देना, मत लगाने देना। ऐसा मत कहो माँ, चुप हो जाओ माँ। लक्ष्मी, अब आपको खुशी हुई? बीवी बच्चे को धोखा देने का आखिर आपका मन कैसे किया? ये बात नहीं है बेटा, हमको ही नहीं। गीता मेरी जन्म देने वाली माँ है, कहा ना उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, कभी सोचा आपने? पहले मेरी बात तो सुनो। उस बेचारी को अपना बेटा कहकर मुझे सीने से लगाने का एक भी मौका दिया, कितना तड़पी होगी। कुछ कहने से पहले सच्चाई तो जान लो बेटा। सब कुछ अच्छी तरह जानकर कह रहा हूँ मैं। इतने दिनों से एक अच्छे बाप का बेटा हूँ सोचकर गर्व महसूस कर रहा था लेकिन आज मेरा बाप बुरा है जानकर मेरा सर शर्म से झुक गया है। तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? तुम जैसा बाप ना होना ही अच्छा है। बाप से ऐसी बात करता है?
तुम यहाँ अकेले कब तक बैठे रहोगे? चलो खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे मेरी माँ ने अकेला छोड़कर कभी खाना नहीं खाया। अब भी वो खुद भूख की रहकर मेरा इंतजार कर रही होगी। उसे छोड़कर मैं खाना कैसे खा सकता हूँ? मुझे नहीं खाना है, तुम जाओ। बाबू, मैंने तुझे जन्म तो दिया है, लेकिन आज तक कभी भी एक माँ की तरह कभी अपने हाथों से तुझे खाना नहीं खिलाया, और तुझे मैंने अपनी गोद में सुलाकर कभी भी मैंने लोरी नहीं सुनाई। कम से कम आज तुझे अपने हाथ से एक निवाला खिलाना चाहती हूँ, खाएगा? तू अपनी माँ की ये इच्छा पूरी कर दे। आ बेटा चल। नौकरानी तेरी माँ है। 10 मर्दों के साथ संबंध बनाकर मैं गर्भवती हुई हूँ ना, 9 महीने कोख में रखूंगी, पैदा करूंगी, खुद पालूंगी, उसके बाद तेरी कब्र खुदवाऊंगी। नरसिंह राव का जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसी के द्वारा इनकी मृत्यु होगी। ए, मेरी मौत नहीं लिखी है, मैं नहीं मर सकता, उस ज्योतिष को लेकर आना। ऐसे क्या देख रहा है रे? हाँ, क्या कहता है तेरा ये शास्त्र? जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। वहीं बैठ, अगर बताए बिना गया ना तो टुकड़े कर दूंगा। शास्त्र हमेशा एक ही बात बताता है, अलग अलग नहीं बताता। 20 साल पहले जो बताई थी अब भी वही बता रहा है। मैं आपको फिर एक बार याद दिलाता हूँ, आपकी मृत्यु आपके बेटे के द्वारा ही। वो लड़का तो हॉस्पिटल में मरा हुआ पैदा हुआ था। नहीं मालिक, वो लड़का मर नहीं सकता, वो जीवित है। पूरी दुनिया में इस शास्त्र का नाम है मालिक, भूलिए मत, मेरा विश्वास कीजिए। आपको याद है मैंने उस दिन क्या कहा था? अगली अमावस के दिन आपके पिता की मृत्यु हो जाएगी, और वही हुआ। उसी तरह ये भी सत्य है, आप सावधान रहिए मालिक। ए, ए, भास्कर, तेरा शास्त्र तू अपने पास ही रख, तू जो बताता है वो सच होता है ना। है? ए, बेमिदारा, ये अभी मरने वाला है या नहीं है तेरा शास्त्र देखकर मुझे बता। बता मालिक, कोड़िया डाल, बैठ जा, ये कब मरने वाला है बता। तो क्या बताता है तेरा शास्त्र? इनकी 80 साल की आयु है, अभी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा शास्त्र कह रहा है। अच्छा, ये अभी नहीं मरेगा? ये अभी नहीं मरेगा। तू अभी नहीं मरेगा सर। ये ले, उस घर जा और उस लड़के का सर काट कर ले आ। अगर उसका सर नहीं लाया तो मैं तेरा तेरा सर काट डालूंगा। क्यों रे, डर लग रहा है क्या? जा। स्वामी, चाहे वो उसका सर काटे या फिर मैं तुम्हारा सर काटूं, तू झूठा है, तेरा शास्त्र झूठा, सब झूठ है। मैं मरूंगा? मुझे कौन मार सकता है? ए, मैं किसी के हाथों से नहीं मर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। ये तो क्या कह रहा है बेटा? नरसिंह राव के लड़के से रिश्ता तय करके आ रहा हूं, उसे कहो कि जिद ना करे और मंगनी के लिए तैयार हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अगर जबरदस्ती किसने शादी करवाई तो मैं जहर खा लूंगी। अरे ये क्या कर रही है बेटा? अरे ऐसा मत कर, मेरी शादी विजय से नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। तुझे तो मैं नहीं। नहीं बेटा, वो तो नादान है। मुझे समझने की कोशिश करो बेटी, जानबूझकर तुझे बलि का बकरा बनाने के लिए मैं कोई कसाई नहीं हूं बेटी, मैं तेरा बाप हूं। तो समझती क्यों नहीं मेरी बेटी? तेरी जिंदगी मेरे सामने बर्बाद होती देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता बेटी।
मेरी बात मान ले बेटी। नहीं पिताजी, मैं विजय के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। तू मेरी बेटी है ना? आप समझते क्यों नहीं है पिताजी? तू मेरी सोने की गुड़िया है। मेरी बात सुनिए ना पिताजी। साड़ी भाड़ने से शादी रुक जाएगी क्या? ये शादी हर हाल में होकर रहेगी। तुम लोग बीच में आए तो तुम लोगों को मार दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा, ये बात अच्छी तरह से समझ लो। अंकल, अंकल, अंकल। क्या बात है बेटे, क्या हुआ? मेरे पिताजी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। मैं विजय के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। अगर विजय मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी जान नहीं दूंगी। अरे पगली, देख जब तक तेरा ये अंकल जिंदा है तेरी शादी किसी और से नहीं होगी। अब तो खुश है ना? तेरे पिताजी ने इनको तेरे लिए भेजा है, मैं इन लोगों को संभालता हूँ, तुम अंदर जाओ। सर कहाँ है सर? ए कहाँ? नहीं मालिक, कहाँ मालिक, कहाँ है? मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। कहाँ है सर? नहीं मालिक, नहीं मालिक, कहाँ है सर? मुझे मत मारिए। कहाँ है? मुझे कहाँ है सर? कहाँ है सर? बीस साल से है ये, 20 साल से मेरे साथ रह रहा, मेरी बहुत सेवा की इसने, एक छोटे से छोटे लड़के का सर काट कर लाने को कहा लेकिन नहीं ला पाया। कहाँ है साला वो ज्योतिष? कहाँ है? लाल से, लाल से। कहाँ है रे वो ज्योतिष? कहाँ है वो ज्योतिष? क्या कह रहा था ज्योतिष का शास्त्र? हाँ, इसे 80 साल तक मौत नहीं आएगी कह रहा था ना। दे, ये तो बेचारा मर गया और ये मैं उसे दिखाना चाहता हूँ। कहाँ है वो? इसे धो करके इसका सर उसे ले जा करके दिखा। बेकार में मर गया साला। आओ माधव, आओ, सही वक्त पर आए हो, शादी का मुहूर्त तय किया है ना, आओ। ये क्या है भाई साहब? ये लाश है, उस लड़के का सर काट करके लाने के लिए कहा इसको तो आकर के मुझे ही कहानी सुनाने लग गया। ये मार डाला इसे? मेरी बहन के घर आपने गुंडे भेजे? वो तो छोटे बच्चे हैं भाई साहब, वो शादी क्या रोक पाएंगे। मेरी बहन के घर में गुंडे भेज कर आपने अच्छा नहीं किया भाई साहब। ए, वो तेरी बहन का लड़का है क्या? तेरी बहन ने पैदा किया उसे? ए, वो तेरी बहन? माना कि उसने जन्म नहीं दिया है लेकिन पाला तो उसी ने है भाई साहब। ए, बचपन से मैं भैंस का दूध पीते आ रहा हूँ तो भैंस मेरी माँ हो गई क्या? एक तो मेरी बेटी से शादी से इनकार कर रहे हैं इसलिए परेशान हूँ और ऊपर से ऐसे वक्त में मार काट। अरे 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 अरे, अरे। बस करो माधव, तुम अपनी बेटी का अच्छा भविष्य चाहते हो और मैं उस लड़के की मौत चाहता हूँ। जाओ अपनी बेटी को मनाकर शादी की तैयारी करो। सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, जानते नहीं क्या? किसी की जान पर बनाए तो उसे कैसा लगता है पता है? नहीं पता, मैं उसकी जान लेकर रहूंगा। जब तक शक्ति सिंह की रगों में खून की एक बूंद भी बाकी है कोई विजय का बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम बेफिक्र रहो गीता। आप उस राक्षस को नहीं जानते मालिक, विजय ये घर छोड़कर कहीं और गया है। अगर ये बात उसे पता चली तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो हमारे कहने से घर नहीं आएगा। लेकिन अगर उसे मालकिन बुलाएंगी तो वो जरूर आएगा।
माँ होते हुए भी वो मेरी बात नहीं मानता। मालिक, किसी भी तरह मालकिन को मनाकर विजय को जल्दी से घर बुलवा लीजिए। यही बताने के लिए मैं यहाँ आई थी। तुम चिंता मत करो गीता, मैं सब संभालूंगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी खाना खा लो। मुझसे बात मत कीजिए, आप चले जाइए यहाँ से। लक्ष्मी, मैं उसी दिन सच्चाई बताने वाला था, लेकिन तब छुओ मत मुझे, छुओ मत। मैंने कहा था ना, मेरे मरने तक अपनी शक्ल मत दिखाइए, फिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? ठीक है, चला जाता, लेकिन थोड़ा सा खाना खा लो लक्ष्मी, थोड़ा सा खा लो। नहीं नहीं खाना, कितनी बार बोलूं, मुझे नहीं खाना, चले जाइए आप। उस दिन क्या हुआ था पता है तुम्हें? पता है? जब तुम पेट से थी तब तुम्हें चोट लगी थी, उसके बाद क्या कहा था तुमने पता है तुम्हें? अगर कहीं मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी, ये कहा था तुमने। जिस दिन तुम उस बच्चे के लिए तड़प रही थी, वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था लक्ष्मी। मुझे लगा था कि ये सदमा तुम सहन नहीं कर पाओगी, और ये सोचकर मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ और गीता के बच्चे को उठाकर तुम्हारे पास लाकर रख दिया। किसके लिए? एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करना कितना बड़ा पाप है पता है? फिर भी मैंने वो पाप किया। किसके लिए? अपनी बीवी को बचाने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए। तुमने देखा ना, विजय मेरा बेटा, हमेशा छाती ठोक कर कहा है कि विजय मेरा खून है, कुछ गलत किया। उसका सगा बाप न होने के बावजूद उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है। वो मेरा बेटा नहीं है क्या? मैंने उसे अपना नाम नहीं दिया क्या? और वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया, मुझे गलत समझकर चला गया। जाने दो, जब तक मेरी सांस चलती रहेगी मैं उसे अपना बेटा मानता रहूंगा, उसकी खातिर जीता रहूंगा। उसे तुम्हें बचाने के लिए उसे तुम्हारी गोद में डाला, और आज उसे बचाने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। उन्हें पता चला कि विजय मेरा बेटा नहीं है तो पता है वो उसके साथ क्या करेंगे? वो उसे जान से मार देंगे लक्ष्मी, वो उसे जान से मार देंगे। क्यों लक्ष्मी, मैं तुमसे मिल नहीं सकता? तुमसे मरते दम तक नहीं मिल सकता? ठीक, तुम्हारे मरने के बाद तुमसे मिलने के लिए मैं कहां जिंदा रहूंगा? तुम्हारे बिना मैं कैसे जी सकता लक्ष्मी? नहीं जी, मुझे माफ कर दीजिए लक्ष्मी, फिर कभी ऐसी बात मत कर, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। लक्ष्मी, तुम उसके पास जाओ, विजय को जाकर समझाओ, वो तुम्हारी बात मानेगा, उसे घर लेकर आओ। रुक जा कमीने, रुक जा, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। बच कर कहां जाएगा तू? बचेगा अब वो मुझसे। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है।
ये क्या है रे, 20 साल के बाद भी तुम्हारे एक भी बाल सफेद नहीं हुए हैं, इतना मेंटेन कैसे करती है रे तू? तुम्हारी इस खूबसूरती का राज क्या है? शक्ति सिंह है क्या? कहाँ है वो? कहाँ है तेरा पिल्ला? कहाँ है बता? मुझे नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता। कहाँ है वो? यहाँ नहीं है। बता, मुझे नहीं पता। तेरा बेटा कहाँ है? सच में मुझे नहीं पता। ए, बता बता तेरा बेटा कहाँ है? बता मुझे। बता, तू नहीं बताएगी? नहीं बताएगी? तू नहीं बताएगी मुझे? बताएगी, बताएगी, बताएगी। मत बता मुझे, जरूरत भी नहीं है। मैं पता लगा लूंगा, मैं खुद पता लगा लूंगा। मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर निकालूंगा और उसके टुकड़े टुकड़े करके तेरे सामने फेंक दूंगा। तब जी भर के रो लेना तू। हे, सारे घरों में आग लगा दो, लगा दो। नहीं, उसे कुछ मत करो, कुछ मत करो। उसे मत मारो, उसके बिना मैं नहीं जी सकती। उसे मत मारो। जिसे तुम बार बार मारने की बात कर रहे हो, वो कौन है पता है? वो तुम्हारा बेटा है। अब पता चला तुझे? यही बात, इसी बात के लिए, यही सच्चाई उगलवाने के लिए मैंने ये सब नाटक किया रे। वो मेरा बेटा है तो मुझे कैसे मारेगा? नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। उसे मैंने पैदा किया है और उसे मैं ही मारूंगा, मैं ही उसे मारूंगा। माँ, बाबू, तूने मेरी माँ को मारा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे जान से मार दूंगा मैं। इस कमीने का मत छोड़ना, पकड़ लो। Thank you.
गीता बहन, तू कौन है जानता है? गीता बहन मेरी बात सुनो। कौन है तू जानता है? और क्या जानना बाकी है? सब कुछ तो जान गया है। ये मेरा ही बेटा है, मैं ही इसका बाप हूँ, और तुम भी इसकी माँ ही हो। मालिक। हाँ गीता। नहीं, मालिक नहीं गीता। बाबू, तुझे जन्म मैंने जरूर दिया है, लेकिन हर जन्म में यही तेरे माँ बाप रहेंगे। गीता, 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 गीता बहन, माँ, गीता, माँ, गीता, माँ। क्या रे, आम कैसा है? बहुत अच्छा है डैडी, बहुत मीठा है। घर में और भी बहुत से आम रखे हैं। रियली? थैंक यू डैडी।